गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टाइम्स कोचिंग द फ्यूचर टाइम्स। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। सो कैसे हो भाई सब लोग? पहला क्वेश्चन तो यही, फटाफट से बताओ सब लोग कैसे हो? मस्त बिंदास हो सभी लोग? हाँ जी, गुड मॉर्निंग रोहित केशरी, वेरी गुड मॉर्निंग निकिता, राजेंद्र, शिवम, सपना, राजकुमार, दीपक, महेश्वरी, आयुष, सोनी, अमित सिवास, राजेंद्र, सुजीत, अर्जुन, रजनीश, अंकु, दीपक एंड देशराज गुर्जर। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? आज 18 अगस्त, और 18 अगस्त से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी उन सबको कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार से बता दीजिए थम्स अप करके कि सेशन लाइव हो गया है मैम, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, और प्लीज एक बार से लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बात है आज तो कसम से जबरदस्त जोश लग रहा है तुम लोगों में। हाँ चलो, टच वुड किसी की नजर ना लगे, जोश इसी प्रकार से बना रहे, सेशन के लास्ट तक बना रहे, ठीक है? ओके, सो गाइस ये कुछ बैचेस आपके लिए लेकर आए हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप ये वाली क्लास अटेंड कर सकते हो, जिसमें स्टैटिक फैक्ट्स, एनालिसिस, मैप्स, क्विजेस, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कुछ बैचेस लेकर आए हैं, जैसे कि मैथ्स प्लस साइंस का कॉम्बो बैच, जो पहले 2000 का था अब वो 5000 रुपए का कर दिया गया है। बाकी जितने बैचेस उन पे 55% ऑफ कर दिया गया है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। महासंगम बैच, इस पे 299 कर दिया है, जो कि पहले कितना था, 1499 का था। मैम क्लियर है सब कुछ? चलो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर है तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत से बच्चे भावनाओं में बहते हुए, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, वेरी वेरी स्वीट मॉर्निंग गाइस। मैम विश कीजिए हमें। बाप रे, कौन है ये निशांत? हाँ तुमको विश कर दिए हैं, अब ठीक है भाई। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ ओके चलो अच्छा देखो भाई। सो ये मैम की बायोलॉजी स्पेशल क्लास एक नए अंदाज में, जो कि स्टार्ट हो रही है आपकी 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, और इसके जो वैलिडिटी 6 महीने रहेगी। डेली शाम को 8 बजे क्लास लगती है, तो जल्दी से ये बैच परचेज कर लीजिए कंप्लीट साइंस के लिए। 599 रुपीज का ये बैच है, उसके बाद इसका अमाउंट शायद बढ़ भी सकता है, तो जितना जल्दी हो सके इसको परचेज कर लीजिएगा। आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए सो टेलीग्राम चैनल है साइंस विद काजल मैम, इसे ज्वाइन करो ताकि डेली के क्लासेस का पीडीएफ आपको यहां से अवेलेबल हो सके, ठीक है? ये हम डिस्कस कर चुके, 55% का मैंने आपको बता दिया। सो अब आते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन का पहला पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला पहला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। क्या हम दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, तुम सब बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, सब के सब नहा धो के आए हो, खा पी के बैठे हो, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलो अच्छा शुरू करते हैं आज का सेशन। जय जय कारा टाइम्स कोचिंग हमारा, पिंकी मैम आप साथ देना। अरे बाप रे बाप, ये किसने कहा भैया? मनीष गुप्ता, अरे पेन का ऑप्शन ही गायब है यहाँ तो। चलो अच्छा, तब तक आप लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का। एक ऐसा स्टेट है जिसमें 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाई जा रही है, तो आपको क्या बताना है कि कौन सा वाला ये स्टेट है जहां पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 4 नए जिले यहां पर बनाए जाएंगे प्लस 18 नई तहसीलें हैं जो कि यहां पर बनाई जाएंगी। तो भाई बताओ कौन से वाले स्टेट ने ये अनाउंसमेंट किया? अभी जो 75 साल पूरे होने जा रहे हैं किसको? आजादी को। और जो अभी चल रहा है आपका क्या, आजादी महोत्सव जो मनाया जा रहा है, आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष में यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई है। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो जो अनाउंसमेंट यहाँ पर की है वो जो सीएम है यहाँ के, कौन है? भूपेश बघेल है। तो मैम भूपेश बघेल जी तो हमारे छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे, तो यानी कि आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि 4 नए जिले। अच्छा पहले से कितने जिले थे? 28 थे, 4 और एड कर दिए गए, कितने हो गए? 32 हो गए। अब ये 4 कौन कौन से नए जिले हैं ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो डिक्लेयर हो चुका, लेकिन जो तहसीलें बनाई जा रही है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो जरा एक बार से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं जो यहाँ पर नामकरण किया गया है, ठीक है? जान लिया जाए।
एनटीपीसी में टोटल मार्क्स 26 मार्क्स आए हैं, क्या करें क्या करें बेटा, चिल्लो भर पानी ले लो तुम तो, बस दोबारा से तैयारियों में जुट जाओ और क्या करोगे। 55 नॉट बैड बट नहीं होगा, 55 में तो नहीं होगा भाई, मैं झूठी दिलासा नहीं दूंगी, ठीक है। और कट ऑफ कितना जाएगा ये भी मैं अभी क्या ही बता सकती हूँ। चलो हाँ, कल काजल मैम ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था तो आप लोगों ने देखा होगा। मैं कट ऑफ इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अगर वो कट ऑफ नहीं गई तो तुम लोग बेइज्जती करोगे फिर मेरी, कि मैम आपने ने बताया था, इसलिए भाई हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिसके चलते मेरे ही स्टूडेंट मेरे ऊपर उंगली उठाए कि मैम आपने बोला था ये कट ऑफ जाएगी, तो भैया हम तो नहीं बताएंगे कितनी कट ऑफ जाएगी। चलो अच्छा, तो ये देखते हैं 4 जो जिले हैं, देखो एक तो है मोहला मानपुर, मतलब ये सुबह सुबह ना ये बोर्ड, ये शनि और राहु केतु ना ये बन चुका है मेरे लिए, सीरियसली मेरी ही क्लास में करना होता है इसको सारी हरकतें। अभी गायब हो गई ऑप्शन सी, यार मतलब लगता है हवन वगैरह कराना पड़ेगा हमको क्लास के लिए कि शांति पूर्वक चले हमारी क्लास, है ना। तो बच्चों एक हवन वगैरह रखते अपनी क्लास के लिए। चलो शुक्र है आ गया। देखो कौन कौन से जिले, एक आपको यहाँ पर है मोहला मानपुर जिला है, दूसरा है यहाँ पर शक्ति जिला, एक है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला और एक हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़। तो ये 4 नए जिले हैं जो कि यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अच्छा आप कहोगे कि मैडम यहाँ पर नई तहसीलों की भी बात कर रहे थे आप, तो भाई जो 18 तहसीलें ऐड की गई है ना इनका नामकरण अभी नहीं हुआ है, यानी कि इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, अभी नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। और तहसील का नाम एग्जाम के अंदर पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि इतना कितना याद करेंगे, तो इतना आपको जरूरत नहीं है। 71 एनटीपीसी में हो जाएगा क्या, कैटेगरी डिपेंड करती है कौन सी जनरल है, तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप सिर्फ कट ऑफ के आसपास हो, ठीक है। हाँ अगर आप एससीबीसी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए, फिर 71 में काफी अच्छा स्कोर है 71 उस हिसाब से तो आपका। चलो अच्छा अब जानते हैं जरा स्टैटिक पॉइंट्स किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं स्टैटिक पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में तो जानेंगे लेकिन इससे रिलेटेड पहले कुछ चीजें जानो कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर 38वां नया जिला बनाया गया था। भाई आपसे पूछा जाएगा कि 38वां जिला कौन सा बना था, मयिलादुथुरई है, कौन सा है मयिलादुथुरई, यार नाम कैसा कैसा रखते हैं। चलो अच्छा ये है 38वां जिला, कौन सा स्टेट में बनाया था, तमिलनाडु में बनाया था। कर्नाटका का 31वां जिला अभी रिसेंटली बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, विजयनगर इसका नाम हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे है पंजाब का 23वां जिला, ये कौन सा बना था भाई, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं क्या मैं, बताओ। 72 है राहुल कुमार, सेम सिचुएशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप कट ऑफ के आसपास हो, अगर आप ऐसी बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपका डेफिनेटली हो जाएगा। बिल्कुल सही है पंजाब का, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दू, नलायको बता दो, नलायको बता दो नहीं क्या, सुनो बिल्कुल सही है राजेंद्र सिंह, वेरी नाइस। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर मलेरकोटला, मतलब यार हवन कराना पड़ेगा, हाँ मलेरकोटला, ठीक है। तो ये है 23वां जिला जो कि कहां पर बनाया गया था, पंजाब के अंदर बनाया गया था। अब आ जाते हैं किस पे, छत्तीसगढ़ पे आते हैं, जरा देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के स्टैटिक क्या क्या हो जाएंगे। तो देखो भाई छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका जो पुराना नाम है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दक्षिण कोसल कहा जाता था इसको पहले, क्या कहा जाता था, दक्षिण कोसल कहा जाता था किसको, छत्तीसगढ़ को। यहाँ का जो स्टेट एनिमल हो जाएगा वो क्या है, जंगली भैंस है, क्या है, वाइल्ड बफेलो है। हाँ मजाक नहीं कर रहे यार सीरियसली, हाँ चलो बफेलो की स्पेलिंग शायद हमने गलत लिख दी, इट्स ओके। स्टेट बर्ड की बात करते हैं भाई, तो कौन सा वाला है यहाँ पर, हिल माया, ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका स्टेट बर्ड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हिल माई, ठीक है ये इसका स्टेट बर्ड। अच्छा चेराव उत्सव ये रिसेंटली मनाया गया था, पूरे एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि जो चेराव उत्सव है ये कौन से वाले स्टेट में मनाया है, तो ध्यान रखिएगा ये मिजोरम के अंदर मनाया है। तो मैम छत्तीसगढ़ का बता दो फिर, छत्तीसगढ़ का नोट करो, यहाँ पर मनाया गया है हरेली उत्सव, हरा हरा हरेली उत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा ठीक है फर्स्ट एथेनॉल प्लांट ये भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर ही ओपन किया जा रहा है। अब देखो कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, पहली चीज तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कि
यहाँ पर जो है कुछ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये इसकी भी लोकेशन आपको यहीं पर देखने को मिलती है। और एक हो जाएगा आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये जो है सारे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर। गाइस एक बार से प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बिना किसी कंजूसी के, सुबह सुबह ये बढ़िया सा काम ना तुम लोग आते ही कर दिया करो, हमको याद ना दिलाना पड़े, ठीक है कि नहीं है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो यहाँ पर, यहाँ के फोक डांस कौन कौन से हैं। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनता है, हर एक स्टेट का फोक डांस तो देखो भाई, यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका राउत नाच, एक हो जाएगा पंडवानी फोक डांस, प्लस यहाँ पर किया जाता है आपका पंथी फोक डांस, ठीक है। क्या हो जाएगा? पंथी फोक डांस हो जाएगा। तो ये सब अच्छा, बफेलो की स्पेलिंग गलत है मुझे पता ही था, चलो कोई बात नहीं, तुम कर लो यार, ठीक तुमको आती है ना, बस ठीक है आती है ना तुमको, कितने मार्क्स आने चाहिए। धर्मेंद्र कुमार किससे पूछ रहे भाई, हम तो एग्जाम नहीं दिए इसका, हम तो कर चुके हैं जब जो करना था, बस अब तुम्हारी सेवा में लगे हैं हम तो, अब तो बस तुम्हारी सेवा में लगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर सिरपुर के अंदर यहाँ पर एक जिला है सिरपुर, यहाँ पर आपको लक्ष्मण मंदिर भी देखने को मिलता है, जो कि उत्तर गुप्त काल से ही बना हुआ है ये लक्ष्मण मंदिर यहाँ पर, तो एग्जाम में इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके जो कैपिटल है खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, बिल्कुल सही है कैपिटल, ये नहीं बोलते तुम लोग, चलो कोई ना कोई याद दिलाई देता मैं, खर्ची पूजा। देखो रायपुर जो इसके कैपिटल है, भूपेश जी यहाँ पर सीएम हो जाएंगे, जिन्होंने क्या किया था, भूपेश बघेल जी, हाँ बचपन का प्यार, बचपन क्या नाम है उसका, अरे वही यार जो आजकल वायरल हो रहा है, हाँ बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, तो भूपेश बघेल जी ने उनको भी काफी सराहा था, देखे नहीं देखा, काफी वायरल इनके साथ भी फोटो हुई थी। चलो अच्छा, गवर्नर जो है यहाँ पर अनुसुईया उइके हो जाएंगे, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं दैट इज प्रशांत कुमार मिश्रा। राज्यसभा की कितनी 5 सीटें हैं, और लोकसभा से यहाँ पर 11 सीटें हो जाएंगी। अब आते हैं मैप की तरफ और देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर ये किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है भाई। तो देखो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यहाँ पर है महाराष्ट्र, इसमें मिलती है आपको लोनार लेक, लोनार लेक जो है ये 41वीं रामसर साइट बनाई गई थी इसकी अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको तेलंगाना मिलेगा, और इसके जो गवर्नर है कौन है, तमिलिसाई सुंदरराजन। कौन सी वाली यूटी का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है इनको बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर मिलेगा आपको उड़ीसा, देश का पहला फायर पार्क यहाँ पर ओपन किया गया था, प्लस यहाँ पर जो है 721 वैकेंसीज निकाली थी, किसके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट आपका बना था। ऊपर आपको झारखंड मिलेगा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, यार ये तो हमेशा ही न्यूज में रहता है ना। चलो मध्य प्रदेश, देखो भाई मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो इसने अंकुर योजना स्टार्ट की थी, और प्लस यहाँ पर एक योजना है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है वो स्टार्ट किया था। नए गवर्नर जो बनकर आते हैं कौन थे, मगन भाई छगन भाई करके, है ना, जो मध्य प्रदेश में आपके नए गवर्नर आए थे। क्लियर है सबको यहाँ तक क्वेश्चन, पुडुचेरी, वेरी नाइस, हाँ बहुत अच्छा। चलो पंडित मनोज बेटा थोड़ा शांति से पढ़ लो, ना तो तुम्हारे सारी पंडित गिरधरी निकाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते हैं अगली न्यूज क्या है। देखो किस राज्य या फिर यूटी ने अपनी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड जो है वो घोषणा की है उसकी। देखो जो स्मार्ट कार्ड है वो दिए जाएंगे, किसके तहत दिए जाएंगे, बीजू पटनायक जो स्वास्थ्य कल्याण योजना स्टार्ट की जाती है उसके तहत। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो योजना है वो कौन से वाले स्टेट की है, तो भाई यहाँ तो नाम से ही क्लियर हो रहा है बीजू। अच्छा ये कौन है, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो बीजू है, बीजू पटनायक जी है, जो कि कौन है आपके, नवीन पटनायक के पप्पा है। तो जो नवीन पटनायक जी है जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा की तरफ से दिया गया था, ये कौन से स्टेट के सीएम हो जाएंगे, उड़ीसा के हो जाएंगे भाई। तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अच्छा अब देखते हैं जरा इस पूरे क्वेश्चन में है क्या, सुनो एक ही गाड़ी बफेलो पे अटकी हुई अभी तक, अरे भैया आगे आ जाओ भाई। चलो सुनो लगता है इनकी भैंस गई पानी में, हाँ निकालने में व्यस्त है। सुनो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3.5 करोड़ जो है लोगों को कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड्स रहेंगे इनमें क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का इनको मतलब इंश्योरेंस नहीं है, ये 5 लाख रुपए इनको हर एक लाभार्थी को दिए जा रहे हैं,
किस लिए दिए जा रहे, ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। एक तरह से ये हेल्थ को लेकर दिए जा रहे कि अगर किसी को कोविड हो जाता है, डिजीज हो जाती है, तो उसको क्या किया जा सके, उसको यहाँ पर हेल्प की जा सके। तो इसके लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विड्रॉ कराने के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि ये जो कार्ड है ना, ये किसकी तरह काम करेगा, ये डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। डेबिट कार्ड आप कहीं भी जाते हो, पटाक से स्वाइप किया, पैसा निकाला और मजा किया, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये डेबिट कार्ड की तरह ये आपका काम करने वाला है। इसके अंदर 3.5 करोड़ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक पैसा दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा, तो भाई बीमारी को ठीक करने के लिए ये। और हाँ, जो मेन चीज है वो ये है कि उड़ीसा के साथ साथ पूरे देश के 200 हॉस्पिटल्स में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। आप इसी कार्ड से देश के 200 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर जाकर के इलाज करवा सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको। प्रीपेड कार्ड नलायक, एक थप्पड़ पड़ेगा सुबह सुबह, अच्छा लगेगा तुमको। हाँ चलो आगे बढ़ लिया जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब जरा चलते हैं किसकी तरफ, स्टैटिक की तरफ चलते हैं। तो ऐसा करने वाला जो उड़ीसा है ना, वो पहला स्टेट बना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बना है भाई। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, स्टैटिक देख लेते हैं भाई, क्या क्या बन सकते हैं पॉइंट्स यहाँ पर। उड़ीसा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, उड़ीसा की बात करेंगे तो भाई इसे पहले क्या कहा जाता था, यानी कि इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, बता दो फटाफट से। किसी को पता है क्या उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो क्या है, उसे पहले क्या कहा जाता था? तो नोट करो, कलिंग था। इसका पूरा नाम क्या था? कलिंग। और यहाँ पर जो शासन चलता था वो किसका था? गंग वंश का शासन यहाँ पर हुआ करता था। किसका? गंग वंश का शासन था। अच्छा, यहाँ पर जो स्टेट एनिमल हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पर है सांबर स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड यहाँ पर हो जाएगा इंडियन रोलर। ठीक है, इंडियन रोलर। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उड़ीसा, अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा के अंदर कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, फटाफट से बताओ करके। मैम आप कहाँ के रहने वाले, क्या करोगे जानकर, हाँ क्या करोगे जानकर के, कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के रहने वाले हैं भाई हम। ओके, यही हमारी भूमि है, यही हमारी धरती है, यही हमारा प्यार है, यही हमारा सब कुछ है। कलिंग, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो थोड़ा सा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उड़ीसा पूछा जाए आपसे तो यहाँ पर एक तो आपका कोणार्क सन टेम्पल हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर चिल्का लेक जो है वो एक क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो चिल्का लेक है ना, ये एक तो आपकी लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्लस आपकी जो है यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो जाएगी। खारे पानी के सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का लेक। गाइस एक बार से प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। आप लोगों को एक टारगेट दे रही हूँ मैं 500 लाइक्स का। हर बार आप लोगों ने टारगेट अचीव करवाया है, तो प्लीज इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि टारगेट अचीव करने में आप लोग मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट जितना वॉचिंग चल रहा फटाफट से करके एक बार सेशन को सब लोग मिलकर लाइक कर दो, इतना सा काम कर दो बस। ठीक है चलो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य देव, सूर्य मंदिर या कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ये किसने बनवाया था, तो गंग वंश का शासन था उस वक्त, और गंग वंश के ही राजा थे कौन, क्या नाम था उनका, गंग वंश के थे नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, 1984 में ये हमारी क्या बन जाती है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है। और एट प्रेजेंट में ये कितनी हो चुकी है, 40 हो चुकी है। जो दो नई एड हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन कौन सी एड हुई है, एक तो आपका धोलावीरा गुजरात में हड़प्पा का है, और दूसरा जो है रमप्पा टेम्पल, जिसकी लोकेशन तेलंगाना के अंदर मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट डैम कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा डैम, तो सबसे बड़ा डैम कौन सा है, एक ही है सबसे बड़ा डैम, और वो कौन सा है, हीराकुंड। यार कौन सा है, हीराकुंड डैम है। अगर पूछा जाए कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो याद रखना महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा के अंदर। किस पे बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड डैम, जो कि लॉन्गेस्ट डैम के रूप में जाना जाता है, और इसके जो लोकेशन है वो उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पर दो ही नेशनल पार्क है, और कौन कौन से हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन कौन से हो जाएंगे, सिमलीपाल एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, स्टैटिक सारा समझ में आ गया सबको, इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ लिया जाए। हाँ जी चलो। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट्स है यहाँ से जो नोट डाउन करने हैं आपको। देखो
उड़ीसा। यहाँ के सीएम पूछा जाए कौन है तो भाई वही है नवीन पटनायक जी, जिन्हें पेटा की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर इसके कैपिटल हो जाएगी। गणेशी लाल यहाँ पर गवर्नर है एंड यहाँ के जो चीफ जस्टिस है दैट इज एस मुरली धर जो है। ओके, हाँ 1981 में चिल्का लेक को रामसर साइट में शामिल किया जाता है। सॉरी, हाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1981 में शामिल किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। चलो अच्छा, नेक्स्ट देखो, राज्यसभा की 10 सीटें हैं एंड लोकसभा की 21 सीटें हो जाएंगी उड़ीसा से। देश का पहला जो फायर पार्क ओपन किया गया था वो कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर ओपन किया जाता है। यहीं पर 721 वैकेंसीज निकाली थी किसके लिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए। और ये पहला ऐसा स्टेट बना था ट्रांसजेंडर्स के लिए पुलिस में वैकेंसीज निकालने वाला, जिसमें कांस्टेबल और एसआई की कुछ वैकेंसीज इसके द्वारा निकाली गई थी। उड़ीसा से और कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग याद रख सकते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यार, तुम लोग भी छाप दिया करो जितना स्टैटिक तुमको पता होता है। ठीक है, जितना तुमको पता होता है तो तुम लोग प्लीज लिखकर जरूर बताया करो यहाँ पर। ओके, सो जानते हैं उड़ीसा के बारे में। मैप पर आओ तो देखो कितने राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो यहाँ पर देखो नीचे आपको मिलता है तेलंगाना, जो पीछे देख करके आए थे हम लोग, है ना। आंध्र प्रदेश तीन कैपिटल वाला पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश जो है आपका। इधर आपको ममता दीदी मिलती है। कौन? ममता दीदी, वेस्ट बंगाल। ओके, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है आपका, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है, और ये जो स्टेडियम है वो उड़ीसा के राउरकेला में मिलेगा। 2023 के जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो यहीं पर होने वाले हैं। किसने बोला? नौ मर्सी, बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंट स्टूडेंट। और भी बताओ जो स्टैटिक जो जो पॉइंट्स आपको पता है, चाहे वो करंट हो या फिर स्टैटिक हो। झारखंड है इधर और इधर मिलेगा छत्तीसगढ़, जिसके बारे में अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़कर आए हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे। हरियाणा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? हु इज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हरियाणा स्टेट। जो हरियाणा स्टेट है वहां पर नए पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए, तो किन्हें अपॉइंट किया गया है? फायर पार्क करा चुके नलायक, बिरसा मुंडा स्टेडियम भी हो गया है। चलो अच्छा, मैम वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बात करते हो यार, ऐसा तो नहीं है? यूट्यूब वाले बच्चे बताओ जरा एक बार से, वॉइस क्लियर है कि नहीं है पीसीज में? हाँ करंट अफेयर ये वाला आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आर्यन सिंह। अच्छा देखो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए प्रशांत कुमार अग्रवाल, जो कि बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। इनको अपॉइंट किया गया है, 2 साल के लिए अपॉइंट किया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किनकी जगह पे अपॉइंट किया गया? तो ध्यान रखना मनोज यादव की जगह पे इन्हें अपॉइंट किया। एस एन गोरमाड़े, नाम सुने हो क्या? सुने हो ना नाम, सुना सुना नहीं लग रहा है? तो देखो जो एस एन गोरमाड़े है इन्हें वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ अपॉइंट किया गया था। वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। राकेश अस्थाना की बात करते हैं तो ये जो है आपके क्या बने थे? दिल्ली पुलिस कमिश्नर इन्हें अपॉइंट किया गया था। क्या अपॉइंट किया था? दिल्ली पुलिस कमिश्नर है जो कि राकेश अस्थाना को यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो अच्छा भाई अब जरा बात करते हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल के बारे में, जिन्हें मनोज यादव की जगह पे अपॉइंट किया। तो इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 2 साल रहेगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखो इनका जो ओरिजिन है ना वो तो बिहार से है। तो ये कहाँ से है? ये बिहार के लाल हैं भाई। ठीक है, ओरिजिन बिहार है। 1988 बैच के जो है ये आईपीएस ऑफिसर है। 1988 बैच के क्या हो जाएंगे? ये आईपीएस ऑफिसर हो जाएंगे। और फिलहाल हरियाणा का नए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो इनको अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा एम्बुलेंस गेमिंग। लेकिन बहुत लेट से आपने बताया है, अब तो उड़ीसा की बात पुरानी हो गई है। ठीक है, चलो अच्छा, इतने चीजें क्लियर है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आगे बढ़ लिया जाए। यस, हाँ ये सही है। जो तीन मगरमच्छ की प्रजाति एक साथ देखने को मिली थी वो उड़ीसा में देखने को मिली थी। तो पहले कहाँ थे तुम लोग? पहले कहाँ थे? हाँ चलो अच्छा, ये है गाइस प्रशांत कुमार, इनकी कोई अच्छी फोटो नहीं मिली तो ये फोटो मिली। हाँ पहचान में आ रहे कि नहीं? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब जरा आ जाते हैं इस क्वेश्चन के स्टैटिक पॉइंट्स पर। स्टैटिक देखो क्या क्या है। आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसे बनाया है? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि फ्रॉड बैंकिंग, आरबीआई ने
फ्रॉड को लेकर की अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर जो है ब्रांड एम्बेसडर पॉइंट क्या था और किसको पॉइंट क्या था, जो आज के टाइम पर सबके हीरो बने हुए हैं और उनका नाम क्या हो जाएगा भाई, हाँ राइस रिसर्च सेंटर, ये भी उड़ीसा के कटक में, मतलब गजब है यार, हाँ गजब है, तुम लोग अभी तक उड़ीसा में, चलो अच्छा बहुत सही है बहुत सही है। सुनो देखो यहाँ पर बनाया जाता है किसको, नीरज चोपड़ा जी को बनाया जाता है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, किसमें जीता था, ओलंपिक्स में, ये जावलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और जावलिन थ्रो में अब 7 अक्टूबर को डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा, इन्हीं के नाम पर इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था, ठीक है। ये दूसरे इंडिविजुअल खिलाड़ी बने थे ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के साथ में, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किन्हें अपॉइंट किया, तो ये जो है रेखा शर्मा थी यहाँ पर, और इन्हीं का टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया गया है गाइस, ठीक है। तो रेखा शर्मा का नाम आपको याद रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 साल में पहली बार किसी महिला को डायरेक्टर, किसी महिला को एज ए डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट किया है, तो बताओ भाई फटाफट से यहाँ पर किन्हें अपॉइंट किया गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किनको अपॉइंट किया है, दृष्टि बैनर्जी को अपॉइंट किया, नलायक को सब तो तुम लोग भूल चुके हो, किसको, दृष्टि बैनर्जी को अपॉइंट किया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है यहाँ पर वो किन्हें बनाया गया है, तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दीपक दास को बनाया गया था ना आपका, किसको बनाया गया था, दीपक दास को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस, प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलेगा, यस 500 का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो एक बार से सेशन के लिंक को प्लीज शेयर जरूर कर दो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में। डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो किन्हें अपॉइंट किया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो नासिर कमल को अपॉइंट किया जाता है, किसको, नासिर कमल को, ओके। और जो एविएशन मिनिस्टर है हमारे वो कौन हो जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इतनी चीजें क्लियर है सबको, मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही क्लास की, प्लेलिस्ट तो भाई मुझे भी नहीं पता है बनी है कि नहीं बनी है, ये मैं कंफर्म करके बताऊंगी, अगर नहीं बनी होगी तो बनवा दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके बनवा दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, क्या बात है, ये है बढ़िया क्वेश्चन। हमारे देश में अब कितनी वंदे भारत ट्रेन से जो कि चलाई जाएंगी, एक अनाउंसमेंट है जो कि पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। 15 अगस्त को जब इनका भाषण था, 15 अगस्त को जब मोदी जी ने भाषण दिया था, तो वहां पर इन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की थी, तो उनमें एक अनाउंसमेंट ये भी थी कि आजादी का जो अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट किया था, अब इसके 75 सप्ताह में कितनी वंदे भारत ट्रेनें हैं जो कि चलाई जाएंगी, तो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है यहाँ पर, कुछ बच्चे 100 आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो आंसर हो जाएगा 75, कितनी 75। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जो एट प्रेजेंट में कितनी वंदे भारत है हमारे देश में, तो भाई कितनी है, 2 वंदे भारत ट्रेन है एट प्रेजेंट में। जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहली वंदे भारत ट्रेन है कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो फटाफट से एक बार से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ मुझे, हाँ जल्दी से। जो पहली वाली ट्रेन, टोटल देखो अभी तक हमारे देश में कितनी है, टोटल अभी तक 2 है हमारे देश में, ठीक है, किसी को नहीं बताया यार ऐसा तो तुम लोग ना कर पाओगे, सुनो अच्छा देखो, जो तो पहली वाली चलाई जाती है वो दिल्ली टू वाराणसी चलाई गई थी, कहां से कहां तक, दिल्ली से वाराणसी तक, और जो दूसरी वाली चलाई जाती है वो दिल्ली टू कटरा चलाई गई थी, दिल्ली टू कटरा। तो ये 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है आज के टाइम पर हमारे देश में, और आगे आने वाले समय में कितनी हो जाएंगी, 75 हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। वो किसान रेल है भाई जिसके तुम बात करो, मिस्टर सोनी या फिर मिस सोनी जो भी हो, ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। चलो अच्छा अब बात यहाँ पर क्या चल रही है कि मोदी जी ने काफी सारी अनाउंसमेंट की है, तो भाई और भी काफी सारी अनाउंसमेंट इनके द्वारा की गई थी, तो वो एक बार से देख लेते हैं, लेकिन पहले जरा दर्शन कर लो एक बार वंदे भारत ट्रेन के। कौन कौन जाना चाहता है वंदे भारत ट्रेन में, बहुत सारे लोगों ने सफर भी किया होगा यहाँ पर, किया होगा ना। चलो अच्छा आगे बढ़ते देखो यहां से कौन कौन से पॉइंट्स बन सकते हैं भाई, देखो स्टैटिक पॉइंट्स याद रखो, पहली चीज आपसे पूछा जा सकता है किसान रेल के बारे में, चाहे वो पहली हो चाहे वो दूसरी हो,
किसान रेल के बारे में रट कर जाइएगा, पेपर के अंदर जरूर पूछा जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है अच्छे से। नहीं पता तो एक बार से सुन लो, जो फर्स्ट किसान रेल चलाई जाती है आपकी ये कहां से, महाराष्ट्र में दियोलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। कहां तक? बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। और जो दूसरी किसान रेल है वो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर से लेकर के दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलाई जाती, वो दूसरी किसान रेल। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल पूछा जाए तो जो दूसरी किसान रेल है वो दक्षिण भारत की पहली है, ठीक है। अच्छा, रेल मदद ये क्या है? रेल मदद एक ऐसा पोर्टल है जो रेलवे के द्वारा अभी लॉन्च किया गया। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आपका जितनी भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं या फिर जो वेबसाइट है या फिर जो आपका जो भी पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एसएमएस है, जिस भी प्रकार से आप रेलवे पर अप्लाई करते हो किसी भी कंप्लेंट के लिए या फिर टिकट्स बुकिंग के लिए, उन सारी चीजों को जोड़ करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है और जिसका नाम दिया है रेल मदद। यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर 139 लॉन्च किया था, चाहे तो ये नंबर है, चाहे तो इसकी कोई वेबसाइट है या फिर एसएमएस के थ्रू जो किया जाता है या फिर कोई एप्लीकेशन है, जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? रेल मदद लॉन्च किया था, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन हो जाएंगे भाई आपके? पीयूष गोयल जी की तो कुर्सी जा चुके, तो यहाँ पर कौन आ गए हैं जो नए मिनिस्टर आए हैं? बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। जो आपका आईटी मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास में, इंफॉर्मेशन एंड जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास में है। सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो जो है आपके सुनीत शर्मा है, और अगर पहले सीईओ पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार यादव हो जाएंगे। चलो अच्छा, पहली ट्रेन किसके शासन काल में चलाई गई थी? अगर पूछा जाए पहली ट्रेन किसके शासन काल में चलाई जाती है, तो मैडम कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं? जिनको इसका आंसर नहीं पता ना बेटा, चुल्लू पर पानी ले लो फिर तुम। तो डलहौजी के शासन काल में चलाई जाती है, 1853 में चलाई जाती है, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। कितने किलोमीटर चलती है? 34 किलोमीटर चलती है। मुंबई टू थाने इसको चलाया गया था। इतनी चीजें तो बेसिक हैं जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है? तो भाई ये हम डिस्कस कर चुके, कितनी है? दो है। ओके, पहली दिल्ली टू वाराणसी चली थी और दूसरी जो है वो दिल्ली टू कटरा चलाई गई थी। थीम ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, इसकी जो थीम रही थी वो क्या रही थी? 49% है बिहारी बाबू, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, तुमको बिहार ना कहीं वापस बुला लिया जाए, दोबारा से बढ़िया से पढ़ाई शुरू करो अच्छे से। 49% बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। देखो, थीम ऑफ आजादी का महोत्सव, इसकी थीम जो है वो क्या रही थी? नेशंस फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या थी? नेशंस फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, हाँ जी, इतनी चीजें क्लियर है सभी को? बताओ जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई यहां से बिल्कुल पूछ सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और ये एक न्यूज है, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही डेंजरस खबर है भाई। सुनो क्या है खबर, ये है कि जो आपका इंडोनेशिया है वहां पर एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट मेरापी, जिसके अंदर विस्फोट आपको देखने को मिलते रहते, मतलब ये कहो कि यहाँ पर हर 2-3 साल में विस्फोट होते ही रहते, हर 2-3 साल में विस्फोट होते ही रहते। 2020 में आपने सुना था यहाँ पर विस्फोट हुआ, सबसे भयंकर वाला जो हुआ था वो 2010 में हुआ था, काफी सारे लोगों की यहाँ पर जाने भी गई थी। तो एक बार फिर से इसके अंदर भारी विस्फोट देखने को मिला है, ब्लास्ट वोट एश 600 मीटर्स इनटू स्काई, मतलब 600 मीटर की दूरी तक गया, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा डेंजरस रहा होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सारी चीजें कि ये वाला जो विस्फोट है वो कहां पर हुआ है, आपका इंडोनेशिया के अंदर, आपसे पूछा जाएगा माउंट मेरापी में हुआ है। कहां पर? माउंट मेरापी में। तो इसकी जो लोकेशन है वो कौन से वाले आइलैंड पर देखने को मिलती है ये समझिएगा, माउंट मेरापी। सुनो, इसके लोकेशन आपको कहां पर मिलती है? जावा द्वीप पर मिलती है। कहां पर? इसके लोकेशन जावा द्वीप पर आपको मिलती है। और ये क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें हर 2-3 साल में रैप होता ही रहता है। ये क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी, एक बार से इंडोनेशिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया जो है इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि इसके जो कैपिटल है जकार्ता,
अब आप कहोगे मैडम नई कैपिटल बन गई है, तो फटाफट से छाप के बताओ नई कैपिटल कौन सी बनी है। जो जकार्ता इसकी कैपिटल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आशियान का हेडक्वार्टर है, ठीक है भाई, और आशियान के अंदर 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसका पार्ट इंडिया नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एशिया का ही एक और भी पार्ट आता है, जिसको क्या कहा जाता है, RCEP कहा जाता है, यानी कि रीजनल कॉपरेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि क्या है, रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनर्स होते हैं ये, RCEP कहा जाता है इसको। तो इसके अंदर 15 मेंबर कंट्रीज है, भारत भी इसका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। चलो अच्छा, जकार्ता, अरे भैया क्या करे तुम लोगों का, इसकी जो नई कैपिटल है वो ईस्ट कालीमंटन द्वीप के पास में बोर्नियो द्वीप पर बनाई जा रही है। किस पर? बोर्नियो द्वीप पर। दीपक शर्मा का आंसर सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। आशियान जो है इसका हेडक्वार्टर यही देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1967 के अंदर की जाती है इंडोनेशिया में। एक और चीज बता दो, इंडोनेशिया के साथ में रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज हमने की थी? अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 16 अगस्त को फूटा है, फूटा है कि फटा है, हाँ चलो जो भी है, तो ये फट गया भाई, हाँ। और इसका नाम आपसे पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आप आंसर क्या करके आओगे, माउंट मेरापी, जिसके लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलती है, जावा द्वीप में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतनी चीजें क्लियर है सबको? चलो अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया के साथ में हमने अभी फिलहाल कौन सी एक्सरसाइज की थी, तो कॉर्पेट, बिल्कुल, किसका आंसर है ये, रिलैक्स, बहुत अच्छा, हाँ कॉर्पेट एक्सरसाइज की थी भाई। और ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, तो इसमें कौन सा INS सरयू है जिसने पार्टिसिपेट किया था, किसने पार्टिसिपेट किया था, INS सरयू ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनो। हाँ भाई, पहली चीज तो ये, क्या बात है, हाँ पहले तो ये एक जानो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी कि भाई इंडोनेशिया के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर ना एक रोबोट डेवलप किया गया जिसका नाम बताया जा रहा है डेल्टा रोबोट। अच्छा, ये क्या काम करेगा डेल्टा रोबोट, देख रहे हो आप इस प्रकार से, इसके जो कुछ कितना ये हिंसम लग रहा है खड़ा, मतलब यहाँ पर इसके लोकेशन से, मतलब इसका जो बना हुआ, इसके जो बनावट है उससे आपको क्या लग रहा है, इसको किस लिए डेवलप किया गया, तो ध्यान से सुनो, इसको डेवलप किया गया है कोविड का ट्रीटमेंट करने में, ये हेल्प करेगा, ट्रीटमेंट इन द सेंस क्या है कि जो मरीज हैं उनके आसपास में कोई बाकी लोग ना जाए, अगर खाना पीना दवाई वगैरह जो भी कुछ देना है तो वो किसके द्वारा अवेलेबल करवाया जाएगा, इस रोबोट, ये जो जगह आप देख रहे हो यहीं पर खाना रख करके और दे जाया दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेल्टा रोबोट है ये किसने डेवलप किया है, इंडोनेशिया ने डेवलप किया है भाई डेल्टा रोबोट, इंडोनेशिया के ग्रामीण लोगों ने इसको बनाया है। और क्या किया जाएगा, जो आइसोलेशन वाले पर्सन है, जिनको आइसोलेट किया हुआ है, या फिर जो पर्सन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, खाना वगैरह भिजवाने के लिए इसको डेवलप किया है। ये बैटरी से चलता है, किससे, बैटरी से चलता है, एक बार इसके अंदर बैटरी डाल के चार्ज कर दो तो 12 घंटे तक पूरी फुर्ती के साथ में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है अभी सबको, बताओ जल्दी से। ओके, चलो अच्छा, अब जरा आ जाते हैं इंडोनेशिया के एक्टिव, सॉरी स्टैटिक पॉइंट्स पर, स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं क्या है। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछा था मैम, क्या बात करते हो यार, कितना इजी क्वेश्चन पूछे थे तुमसे कि कौन सा वॉल्केनो है जिसमें विस्फोट हुआ है, कमाल करते हो यार तुम भी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया है ये कौन सा है भाई, इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट से कर दो भाई, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो जो इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है उसका नाम क्या हो जाएगा, अभी तक आंसर नहीं आया है तो तुम लोग क्या करोगे, नाक कटवाओगे मेरी और क्या करोगे, बताओ फटाफट से यार, ये क्वेश्चन तो तुम लोगों से ही पूछूंगी मैं कि जो इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है उसका नाम क्या है, ये तो तुम्हारे लिए ही है, फटाफट से बताओ। यस, क्या बात है, बैरन आइलैंड, बहुत अच्छा। देखो बैरन आइलैंड जो है ये इंडिया का एकमात्र और एक्टिव वॉल्केनो है, और इसकी लोकेशन आपको कहां पर मिलती है, अंडमान निकोबार के अंदर देखने को मिलती है। और जो अंडमान निकोबार है आपका तीन पार्ट में है,
नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और एक हो जाएगा आपका साउथ अंडमान। तो इसके जो लोकेशन है वो कहां पर देखने को मिलती है, तो याद रखना मिडिल अंडमान के अंदर, मिडिल अंडमान में इसके लोकेशन देखने को मिलती है। अच्छा, अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर मिलेगा और इसका नाम क्या है, माउंट कैटापेक्सी है। कौन सा हो जाएगा भाई, माउंट कैटापेक्सी, जिसके लोकेशन साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की जो 70वीं वर्षगांठ मनाई थी उस पर किस विषय पर एक डाक टिकट जारी किया था, तो आपका आंसर क्या होगा। ओके अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हो इसलिए पूछ रहे कि वेर आर यू फ्रॉम। हाँ बिल्कुल, यार कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो इट डजंट मीन कि सब कोई एक ही स्टेट से बिलोंग करता है। हाँ सुनील जी, चलो बाद में बात करते हैं, सुनो तो यहाँ पर जो विषय था वो कौन सा था, रामायण विषय था भाई। तो रामायण विषय पर एक डाक टिकट जारी किया था किसने, इंडोनेशिया ने, दोनों के रिलेशंस को और भी अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, G20 समिट किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर, तो ध्यान रखना 2022 वाला जो G20 समिट होने वाला है आपका ये कहां पर होगा, इंडोनेशिया में होगा। 2021 वाला कहां होगा, तो ये होगा इटली के अंदर। अच्छा, तो 2023 वाला कब होगा, कहां होगा, तो ये कहां होगा, हमारे प्यारे भारत महान के अंदर होगा, कहां पर, इंडिया के अंदर होगा 2023 वाला। ठीक है, तो याद रखना 2021 वाला इटली में होगा, 22 वाला इंडोनेशिया में, और 23 वाला जो है वो इंडिया के अंदर होने वाला है। G20 में आपकी कितनी कंट्रीज, 19 कंट्रीज आती है, प्लस एक यूरोपियन यूनियन आता है, और यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, जहां से ब्रिटेन जो है वो 2020 में एग्जिट ले चुका, 1 जनवरी 2020 को लागू हो गया था ब्रिटेन, जिसको क्या बोला गया, ब्रेग्जिट बोला गया था। चलो अच्छा, आपसे पूछा जाएगा जो सुंडा स्ट्रेट है ये कहां पर लोकेटेड है, अगर पूछा जाए सुंडा स्ट्रेट के बारे में कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो क्या कहोगे, इंडोनेशिया के अंदर है, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में जो गर्त है वहां पर देखने को मिलती है इसकी लोकेशन, सुमात्रा एंड जो जावा द्वीप है उसके अंदर इसके लोकेशन देखने को मिलती है, जो ये वाला जो द्वीप है सुंडा स्ट्रेट वो अलग करता है, ठीक है, इन दोनों को, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कहां पर मिलता है आपको, इंडोनेशिया के अंदर मिलता है, जो सुंडा स्ट्रेट है, सुंडा जल संधि यहां पर देखने को मिलती है। इतनी चीजें क्लियर है सबको, बताओ भी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगली न्यूज क्या है। देखिएगा नेक्स्ट देखो, और प्लीज नोट्स जरूर बनाते हुए चलना भाई सारे बच्चे, जो नोट्स नहीं बनाएगा ना उसकी भैंस पक्का पानी में जाएगी और ऐसा आ जाएगी कभी लौट कर नहीं आएगी तुम्हारे पास में, फिर बोलते रहना तुम। देखो इंडोनेशिया, इसके जो कैपिटल है वो जकार्ता है, और इसके जो नए कैपिटल बनने जा रही बोर्नियो द्वीप पर बनने जा रही, इसके लोकेशन आपको यहीं पर देखने को मिलती है, इस कालीमंटन के पास में मिलेगा बोर्नियो द्वीप, न्यू कैपिटल। रुपया करेंसी यूज होती है, जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जकार्ता के अंदर ही मैंने बताया था आपको क्या है, एशियान का हेडक्वार्टर है जिसके अंदर 10 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, और एशियान का ही एक पार्ट है RCEP, ठीक है, रीजनल कॉर्पोरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनर्स, जिसके अंदर 15 मेंबर कंट्रीज आती हैं। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अब जरा बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, अगली न्यूज क्या कहती है जरा देख लेते हैं। नो मर्सी, तुम भी ना कमाल कर, तो तुम तो पढ़ने वाले बच्चे थे यार, तुम भी ऐसे छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, हाँ पढ़ लो शांति से बैठ के। देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने किसी भी सरकारी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए चावल को किस वर्ष तक फोर्टिफाई कराने का लक्ष्य रखा है, तय किया है। फोर्टिफाई राइस दिए जाएंगे भाई, क्या दिए जाएंगे, फोर्टिफाई राइस दिया जाएगा। तो आपको कि मैम ये कौन सा राइस होता है, हमने बासमती राइस सुना था, हमने परमल राइस भी सुना था, हमने 36 प्रकार के राइस सुने थे, ये कौन सा राइस होता है, सुनो ध्यान से, जो फोर्टिफाई राइस है इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है, भरपूर मात्रा में आपको यहाँ पर कोबाल्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें मिलने की वजह से इसको क्या कहा गया, 45 राइस कहा गया। और मोदी जी ने ये कहा है कि जो ये वाला चावल है ना वो बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा पोषक रहने वाला है, किसके लिए,
बच्चों और महिलाओं के लिए काफी ज्यादा ये क्या रहेगा, मतलब उनको अच्छा पोषण मिलेगा यहाँ से। इसके लिए क्या अनाउंसमेंट यहाँ पर मोदी जी के द्वारा की गई है वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि जितनी भी योजनाएं हमने चलाई है खाने को लेकर, चाहे वो मिड डे मील बच्चों के लिए है ना, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने खाया भी होगा चुरा चुरा के, पक्का मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, अपना नहीं तो अपने छोटे भाई बहन का पक्का तुम लोगों ने खाया होगा मिड डे मील। किस किस ने खाया ईमानदारी से बताना, ठीक है? सुनो, अच्छा बहुत सारे बच्चे आंसर किए जा रहे, तो एक बार से मैं लिख देती हूँ आंसर, बिल्कुल आपका 2024 होगा। अब शांति से बैठो जरा, सुनो, जैसे कि आपका मिड डे मील वाली योजना हो गई है ना, प्लस एक जो चलाया गया था आपका कौन सा था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना था, वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना थी ये हो गया आपका, प्लस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका चलाया गया था अनाज बांटने को लेकर के, जितनी भी योजनाएं हैं इनके अलावा भी उन सभी के अंदर अब क्या दिया जाएगा, 45 राइस दिया जाएगा, ताकि बच्चों और महिलाओं के पोषण के ऊपर, विकास के ऊपर फोकस किया जा सके, ठीक है? तो अच्छा देखो देखो कितने सारे लोगों ने खाया, मतलब यार कमाल है ना, बहुत अच्छा, तुम्हारी ईमानदारी भी माननी पड़ेगी। मैम हम भी खाए हैं, रोहित केसरी कह रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे मजे लिए बचपन में। हाँ चलो सुनो, गोल्डन राइस, नो मर्सी आते हैं गोल्डन राइस पे, जरा थोड़ा पेशेंस तो रखो, तुम लोग पेशेंस तो रखो। तो देखो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि 2024 तक क्या कर दिया जाएगा, 2024 तक जो है इस लक्ष्य को हासिल कर दिया जाएगा। मिड डे मील तो ये भी बता दो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कौन से ईयर में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी बता दो फटाफट से। अच्छा, तो ये जो योजना है मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया, इसका एक और पर्पस है, और वो पर्पस क्या है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें सुधार करना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सुधार करना, जो रिसेंटली रिलीज किया गया था उसके अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो कितनी थी, 94 थी भाई। भुखमरी हमारे देश में भी काफी ज्यादा है और पोषण को लेकर बच्चों में कमी भी है, कुपोषण की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ भी होती है, सबसे ज्यादा डेथ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, सबसे कम केरला में देखने को मिलती है। तो ये सारा जो किस्सा शुरू होता है वो पोषण से शुरू होता है, ठीक है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक को बेहतर बनाने के लिए भी मोदी जी के द्वारा ये बेहतरीन अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है यहाँ पर। इतनी चीजें क्लियर है सभी को? हाँ भाई, 94 नहीं नलायको, 95 है, 1995 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है? कब से? 1995 से स्टार्ट किया गया था मिड डे मील। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ए दो मनीष गुप्ता को देखो, 2003 में, मतलब भाई जब से हमने खाया तभी से स्टार्ट हुआ होगा, है कि नहीं, ऐसा समझ रहे हो क्या? पैन चेंज करे, क्या हो गया पैन में? हाँ, 107 कंट्रीज में से, बिल्कुल सही है, ये 94 रैंक थे, बिल्कुल सही, 107 देशों में से थे। चलो स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं, अब इसी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा गाइस, ये मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर क्या था, रोजगार दिए जा रहे थे कि जो है नए नए रोजगार लोगों को दिए जाएंगे, नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, और यहाँ पर ये भी बोला गया था मोदी जी के द्वारा कि हमारे देश के अंदर जो जो इकोनॉमी है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, 5 मिलियन ट्रिलियन तक, सॉरी 5 ट्रिलियन डॉलर यार, सॉरी। तो यहाँ पर मोदी जी के द्वारा एक गति शक्ति नाम से प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया जाता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन तक बढ़ाई जाएगी, और इसके लिए जो है टारगेट भी रखा गया था, 2025 तक का टारगेट रखा गया था, ठीक है? नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, ये भी मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, और इसके अंदर ये कहा गया था कि भाई हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर बेस्ड बसेस और ट्रेनें चलाएंगे, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है, और जब इसका यूज किया जाता है तो पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। तो वो ये जो नेशनल यहाँ पर जो हाइड्रोजन बसेस की शुरुआत जो की गई थी वो तो लद्दाख से की जाती है, कहां से, लद्दाख से तो हाइड्रोजन बसेस की शुरुआत की गई थी, ठीक है? हाइड्रोजन ट्रेन पूछा जाए तो इसकी जो शुरुआत है वो हरियाणा से की जाती है, हरियाणा के अंदर सोनीपत से लेकर के जींद तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई गई थी। इतनी चीजें क्लियर है सबको? किसको ब्लॉक करना है, अर्जुन लाल किसको ब्लॉक करना है उसका नाम लिख दो बस कमेंट सेक्शन में, जिसको ब्लॉक करना एक बार से उसका नाम लिख दो, फिर मैं देखती हूँ कौन है ये, ठीक है? चलो, अच्छा स्क्रैपेज पॉलिसी किसने लागू की थी, तो भैया ये भी मोदी जी ने लॉन्च की थी, और इसमें क्या था, इसमें मोदी जी ने ये कहा था कि जितनी भी पुराने व्हीकल्स है जिनको 15-20-25 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि भावनाओं से इस कदर जुड़े हैं कि पर्यावरण की धज्जियां उड़ा दी है कतई, मतलब हमारे हमें दहेज में मिली थी गाड़ी,
हम नहीं जिसको बेचेंगे भाई, चाहे वो गाड़ी धुआं कितना भी छोड़ रही हो, सामने वाले की आंखें ही क्यों ना फूट जाए, लेकिन हम उस गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी गाड़ियां जो 15-20 साल पुरानी हो चुकी हैं, उनके लिए मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि अब उनको क्या कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। इसके लिए स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की थी। नेक्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्ड राइस, ये गोल्डन राइस है, क्या है ये गोल्डन राइस है, और ये जो राइस है इसका प्रोडक्शन, लीगल प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी गई है व्यापार करने के लिए। तो कौन सी वाली कंट्री के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, ध्यान रखना फिलीपींस के द्वारा दी गई। इसके द्वारा फिलीपींस, ये वही कंट्री है जहां पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मिलता है आपको, यहीं पर तो मिलेगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। और नेशनल वाला कहां मिलेगा, ए तो मैडम उड़ीसा के कटक में मिलेगा, ये तो हमको अच्छे से पता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब फिलीपींस को हम कौन सी मिसाइल दे रहे हैं, फिलीपींस को हम कौन सी वाली मिसाइल दे रहे हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो हम फिलीपींस को दे रहे हैं। इससे पहले ये हम थाईलैंड और वियतनाम को भी दे चुके, तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहां से याद रखना है। इतनी चीजें नोट डाउन कर लो पर फटाफट से, फिर बढ़ते हैं हमारे जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एक बार से नोट डाउन करो सारी चीजें, हो गई। ओके चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, एक और अनाउंसमेंट भी तो किया था मोदी जी के द्वारा, वो हम कैसे भूल सकते हैं, आप मुझे बताओ। मोदी जी के द्वारा एक और अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो किसानों की आय है वो डबल कर दी जाएगी। कब तक लक्ष्य क्या रखा है, 2022 तक किसानों की जो आय है वो डबल कर दी जाएगी। वैसे तो किसानों के बारे में बहुत ही सोचते हैं मोदी जी, कितना सोचते हैं, लगता है उनका पहला और आखिरी प्यार किसान ही है। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब के किसान बैठे भाई, उनका क्या, हाँ समझ नहीं आता है क्या चल रहा है यहाँ पर। पंजाब के जो किसान बैठे उनको लेकर तो कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। कितने महीनों से बेचारे वहां पर सर्दी गर्मी बारिश हर चीज में बैठे हैं वो तंबू गाड़ करके, तो उनके ऊपर क्यों कोई डिसीजन नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पता नहीं इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिएगा, भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ज़ेर अल बहर आयोजित किया गया है। लो आ गई एक और एक्सरसाइज, आजकल तो एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज हो रही है, कितनी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो भाई ये वाले जो एक्सरसाइज है गाइस, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है, ज़ेर अल बहर इसका नाम है। तो पहली चीज तो यही की याद रखना नेवल एक्सरसाइज है, इसका नाम हो जाएगा क्या, ज़ेर अल बहर इसका नाम हो जाएगा। एडिशन कौन सा है इसका, ये सेकंड एडिशन है। कौन सा सेकंड एडिशन, कहां पर ये हो रही है, तो पर्शिया की खाड़ी में हो रही है। कहां पर, पर्शिया की खाड़ी में हो रही है। तो भाई पर्शिया की खाड़ी की लोकेशन कौन से वाली कंट्री के पास में पड़ती है, यहां पर आपको क्या लगता है, पर्शिया की खाड़ी जो है यूएई। एक थप्पड़ पड़ेगा कसम से। देखो बिल्कुल वी के रंगा का आंसर सही है, अर्जुन लाल का आंसर सही है, पंकज बहुत अच्छा। कतर, कतर जो देश है आपका, यहाँ पर की जा रही इंडिया और कतर के बीच में ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका सेकंड एडिशन इस बार आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पर्शिया की खाड़ी में होगी ये आयोजन। अब देखो कतर से बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से रिलेटेड एक पॉइंट नोट करना, एक्सरसाइज से रिलेटेड इतनी ही चीजें याद रखनी है, और कुछ याद नहीं रखना आपको, ठीक है, और कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड एडिशन है, पर्शिया की खाड़ी में हो रही है, कतर में, नेवल एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का नाम अब सुनो, कतर के अंदर है जो तालिबान है ना, तालिबान जिसका नाम आप हर दिन हर मिनट सुनते होंगे, जब फेसबुक खोलते होंगे, जब इंस्टाग्राम खोलते होंगे, जब यूट्यूब खोलते होंगे, जब गूगल खोलते होंगे, तो आप जो है तालिबान का नाम जरूर अपने सामने देखते होंगे या फिर सुनते होंगे। तो जो तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। किसका, तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर के अंदर देखने को मिलता है। तालिबानियों को जो पनाह दी हुई है वो किसने, कतर ने दी हुई है। तो यानी कि जो तालिबान का साथी हुआ ये कतर जो है वो तालिबान का साथी हुआ, पहली चीज तो ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, 2022 में फीफा जो है वो यहीं पर आपके आयोजन होना, फीफा का आयोजन यहीं पर होना है। नो मर्सी, बहुत अच्छा, बस तुमसे और यही चाहते हैं कि इसी प्रकार के पॉइंट्स तुम लोग बताते रहा करो मुझे, ठीक है, इसी प्रकार के। तो भाई आंसर यहाँ पर कतर हो जाएगा गाइस आपका। अब जरा जानते हैं इसी से रिलेटेड और कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो हमने हाल ही में की थी, तो सुनो ध्यान से। सी कैच एक्सरसाइज, अगर पूछा जाए सी कैच एक्सरसाइज के बारे में, तो ये हमने किसके साथ में की थी, इंडिया एंड
यूएसए के साथ में की थी, वैसे इसके अंदर 20 कंट्रीज और भी शामिल है, टोटल 22 कंट्रीज है प्लस 20 कंट्रीज शामिल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो कहां पर आयोजित की गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपके इंडोनेशिया में हुई थी, क्या सिंगापुर, सॉरी सर, सिंगापुर में ये एक्सरसाइज हुई थी आपकी। कौन सी सी कैट एक्सरसाइज है? कॉर्पोरेट एक्सरसाइज की बात करेंगे तो भाई ये जो है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट की गई है, और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो क्या कहते हैं इंडिया का कौन सा INS जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, INS सरयू पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। जायद तलवार 2021 ये जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ में की गई है, TGT नेचुरल साइंस का पेपर 26 में है क्या, तब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 26 मार्च को है क्या, मार्च को, तो सिलेबस क्या है, मैंने तो पूरे 6 महीने का करंट अफेयर तुमको दे दिया है, उससे पहले 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, और क्या डेली करंट अफेयर, बाकी नोट्स बनाओ तुम, मेरी तरफ से सिलेबस डन है ऑलरेडी, स्टार्टिंग जीके के पॉइंट्स जो है ना वो मैं आपको करा दूंगी, मतलब टॉपिक्स जितने भी वो करा दूंगी, ये प्रॉमिस है। जायद तलवार जो है गाइज ये इंडिया एंड UAE के बीच में हुई थी, ठीक है, ज्यादा तलवा जो एक्सरसाइज है इंडिया और UAE के बीच में हुई थी, और ये कहां पर कंडक्ट की गई थी, तो वही याद रखना UAE के आबू धाबी में इसको किया गया था। मालाबार एक्सरसाइज जो है आपकी इंडिया, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज, और आप कहोगे क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं, तो हजारों बार हम तुमको बता चुके हैं क्वाड कंट्रीज का मतलब होता है चार देश, चार ऐसे देश कौन कौन से, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और USA है, इन देशों के बीच में होती है क्वाड एक्सरसाइज। लास्ट टाइम इसको दो चरणों में किया था, पहला जो है बे ऑफ बंगाल में और दूसरा जो अरेबियन सी के अंदर किया गया था। 2021 वाली ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है ये कहां पर कंडक्ट की जा रही है, पैसिफिक ओशियन में, कहां पर की जा रही है, पैसिफिक ओशियन में की जा रही है, 21 से लेकर 29 तक चलने वाली अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त, एक तो एक चरण 21 से 24 अगस्त को होगा जो कि आपका बंदर का चरण बताया जा रहा, और दूसरा जो है वो 25 से लेकर 29 अगस्त को होगा जो कि ट्रायल फेज के रूप में बताया जा रहा, तो दो चरणों में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जानी है। बिल्कुल सही है, हाँ सूरज वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुनील, वेरी नाइस राजू, बहुत अच्छा, चलो अच्छा आगे बढ़ लेते हैं और जरा देखते हैं अगली न्यूज क्या है हमारी। देखो भाई अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा कुछ और भी तो पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देख लेते हैं। पहले देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन आर्मी की जो स्थापना है वो कब की जाती है, तो याद रखना 15 जनवरी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, और तब से 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी के डेट के रूप में मनाते हैं। आर्मी चीफ कौन हो जाएंगे, मनोज मुकुंद नरवाणे हैं जो हमारे आर्मी चीफ है। सेना में कुल कितनी कमांड्स है, यहाँ पर तीनों सेनाओं की बात चल रही है, एयरफोर्स हो गया, आर्मी और नेवी हो गया, तीनों की जो टोटल कमांड्स है वो कितनी है, 17 हो जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेवी, अगर इंडियन नेवी के बारे में पूछा जाए तो भाई इसको हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेवी दिवस के रूप में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है 8 अक्टूबर 1932 को एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इतने चीजें क्लियर हैं सभी को। मैम रिपीट मालाबार एक्सरसाइज हम तो कर देंगे रिपीट, लेकिन जो क्वाड कंट्रीज है ना उनको मत बोल देना, वो नहीं रिपीट करने वाली है, ठीक है। सुनो ये जो आपकी मालाबार एक्सरसाइज है वो दो फेज में की जा रही है, ठीक है, तो एक जो है आपका 21 से 24 चलने वाला है और दूसरा 25 से 29 अगस्त चलने वाला है, ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज के बीच में है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA आपके आते हैं, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है काश यादव, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है भाई, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट आपकी न्यूज है वो क्या है, देखो असम के अंदर रबडो फिस बिंदी नाम से एक नई प्रजाति पाई गई है, ये किसकी प्रजाति है ये आपसे पूछा जा रहा है। डायनासोर की है, डायनासोर की प्रजातियां तो दो मिल चुकी है, एक चाइना के अंदर मिली थी और एक अवशेष मिले थे दिल्ली के मेघालय के अंदर, यार कहां पर, इंडिया के मेघालय में, ठीक है, तो वह यहां पर जो स्पेसिस पाई जा रही है वो किसकी, डायनासोर की, फिश की, फ्रो की या फिर स्नेक की है, बताओ फटाफट से, यस बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेवी की स्थापना देखो वैसे तो 26 जनवरी 1950 को होती है, बट 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेवी डे के रूप में आपका, ठीक है, स्नेक की, फ्रोग की,
चलो कंफ्यूजियाते हुए सारे बच्चे यहां पर, तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो बच्चे यहाँ पर डायनासोर आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल गलत है, फिश जो आंसर कर रहे हैं उनका भी बिल्कुल गलत है, एंड फ्रॉग जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्नेक हो जाएगा आपका सही आंसर। अब सुनो जरा, यहाँ पर स्नेक की एक प्रजाति है जो कि ढूंढी गई है, और ये प्रजाति किसके द्वारा, सुनो, इंडिया है आपका, यूएसए हो गया, और प्लस आपका यूके हो गया, इन तीनों ने मिलकर के इस प्रजाति की खोज की, कहां पर की है, उड़ीसा के अंदर की है भाई। उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, चाचर डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है, चाचर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है जिसके ऊपर इसकी खोज की गई है, और ये जो स्नेक बताया जा रहा है इसके ऊपर कुछ रेड कलर की बिंदी लगी हुई है। तो जरा एक बार से फोटो में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले जानो जरा इसका नाम क्या है, रैबडोफिस बिंदी, या फिर इसको रेड ब्यूटी स्पॉट भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, रेड ब्यूटी स्पॉट भी इसको नाम दिया गया है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ इसके जो इमेज, जल्दी से देख लीजिएगा, ज्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि भाई देखो हर इंसान को ना किसी चीज का फोबिया होता है, और वो फोबिया का लेवल बहुत खतरनाक वाला भी हो सकता है। तो मुझे भी एक फोबिया है, ज्यादा नहीं है, स्नेक से बहुत ही ज्यादा फोबिया, पता नहीं क्यों बचपन से मैं फोटो भी नहीं देख पाती हूँ, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा स्नेक की जो जो स्पेसेस आती मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, कभी भी इमेज नहीं लगाती। पहली बार मुझे इमेज लगानी पड़ रही है, उसका कारण ये है कि ये रेड ब्यूटी स्पॉट है, बिंदी वाला है, इसके जो खोज की गई है, देखो पूरे अगर हम पूरे दुनिया की बात करते हैं तो ये जो है ना सिर्फ 27 ही बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 27 है। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो ये इनकी जो स्पीसीज है वो कितने देखने को मिलते हैं, सिर्फ 2 या 3 स्नेक आपको देखने को मिलेंगे पूरे साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, तो सिर्फ 2 या 3 या 4 मैक्सिमम होंगे ये देखने को मिलते हैं इतने, ठीक है। तो मैं दिखाने जा रही हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा, बहुत देर तक मैं जो है ये आपको नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर साइन भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो मतलब ये क्या है, ये रेड कलर का जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यही है रेड बिंदी, ठीक है, इसी को नाम दिया गया यहाँ पर रैबडोफिस बिंदी या फिर रेड ब्यूटी स्पॉट, देख लिया आप लोगों ने। चलो बस बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं जरा। चलो अच्छा, प्लीज कोई हंसेगा नहीं, हाँ ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। नेक्स्ट देखो, डायनासोर की 2 प्रजातियां हाल ही में किस देश के अंदर पाई गई है, तो ये चाइना के अंदर पाई गई है, और इसका जो नाम दिया गया था वो क्या था, एक का नाम है सेमोटाइटन, और जो दूसरी प्रजाति थी उसका नाम दिया गया था हीमोटाइटन, हीमोटाइटन लगता है टाइटन ही कुछ ज्यादा ही देख लिए हैं ये, हाँ सुनो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिस्टेरियस फ्रॉग स्पीसीज ये कहाँ पर पाई गई, ये एक फ्रॉग की स्पीसीज पाई गई थी जो फिर कहाँ पर पाई गई थी, तो याद रखना आपको केरला के अंदर पाई गई थी। टेलीग्राम चैनल है पिंकी सरोहा के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर डेली के क्लासेस का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, मेरी हर क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आप लोगों को, और अगर कोई भी डिस्कशन करना है तो ग्रुप भी है करंट अफेयर्स बाय पिंकी सरोहा के नाम से, इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई स्नेक से मुझे कसम से बहुत लगता है, मतलब इसमें क्या शर्म यार, लगता है तो लगता है, स्नेक से मुझे बहुत लगता है, इतना बचपन से लगता है कि मैं फोटो भी ठीक से देख नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है कहीं बाहर ना निकल जाए। चलो अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो, डीएसपी इन असम, देखो असम सरकार के द्वारा एक योजना लाई जाती है जिसमें ये अनाउंसमेंट किया गया था यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा, जो यहाँ पर नए सीएम बनकर आए थे, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि नेशनल गेम्स में जितने भी मेडल जीतकर लाएंगे खिलाड़ी, तो उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो एक तो हिमा दास है यहाँ पर जो कि एथलीट है, इनको डीएसपी अपॉइंट किया गया था, एक एसपी अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर एडिशनल ऑफ एसपी, ठीक है। तो ये किसको अपॉइंट किया गया था, एएसपी अपॉइंट किया गया था, याद रखिएगा किसका, उनका नाम है लवलीना, जो कि असम से बिलोंग करती हैं, और ये एक बॉक्सर हैं, और इन्होंने ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने ओलंपिक्स में, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, पोर्टो लगा लालजी नामक जंगली सनरोज की जो प्रजाति है ये कहाँ पर पाई गई है, तो देखो ये वाले जो सनरोज की प्रजाति है ये कहाँ पर पाई गई है, याद रखिएगा ईस्टर्न घाट में पाई गई है भाई, कहाँ पर, ईस्टर्न घाट में पाई गई है, ठीक है। पीडीएफ नहीं है नीलम कुमार जी, एक काम करो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर डेली की क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी मिल तो जाएगा वहां पर, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है वहां का
पीडीएफ शेयर करना, मैं टेलीग्राम पर टाइम से शेयर कर देती हूँ, ठीक है, वो मेरे हाथ में, तो मैं जल्दी शेयर कर देती हूँ, आपको जल्दी चाहिए तो टेलीग्राम से ले लो। टीम को टाइम लग जाता है क्योंकि उनके पास काफी सारे काम होते हैं, तो पीडीएफ शेयर होने तक थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। चलो अच्छा, सैटेलाइट फोन का यूज किस नेशनल पार्क में किया गया? पहली बार किया गया सैटेलाइट फोन, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा फोन है कि आपको अगर कहीं पर बात करनी है तो जरूरी नहीं है उस फोन में नेटवर्क हो। अरे वाह मैम, क्या बात करो, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ, कितने सारे लोग हैं जो बातें अधूरी रह जाती हैं उनकी रातों में। हाँ तो सुनो, लेकिन ये वाला जो फोन है वो आम जनता के लिए नहीं है, इसे सिर्फ यूज किया जा सकता है कहाँ पर? पब्लिक एरियाज, पब्लिक प्लेसेस पर, गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पर? एक सींग वाला गैंडा जहां पर पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर देखने को मिलता है। ये पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है जहां पर सैटेलाइट फोन के यूज को मंजूरी दी गई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, ये पहला ऐसा रबर का प्लांट है, रबर का पौधा लगाया जा रहा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, और ये कहां पर लगाया गया है? असम के अंदर इसको लगाया गया है, ठीक है, असम के अंदर लगाया गया है इसको। और देखो यहाँ पर बात करेंगे तो कहां से लाया जाएगा ये पौधा जो है आपका? केरला से लाया जाएगा। कहां से लाया जाएगा? केरला से इसको लाया जाएगा, ठीक है। पिंकी सरोहा है, बताया था मैंने आकाश यादव आपको टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? गाइस प्लीज यार सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते हुए चलेगा। कितने कंजूस, कसम से कितने कंजूस हो, 500 का टारगेट दिए हैं तुमको जो अभी तक अचीव नहीं किए हो तुम लोग, तो यह तो गलत बात है यार। अच्छा मैंने आपसे पहाड़ी पूछा था, ये जो सांप है, जो स्नेक है, वो किस पहाड़ी पर पाया गया है? तो याद रखिएगा बैरल पर। कहां पर? बैरल पहाड़ी है जो कहां पर मिलती है आपको? यहां पर एक चाचर नाम का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यहां पर मिलती बैरल पहाड़ी। इंडिया, यूके और यूएसए इन तीनों कंट्रीज के द्वारा मिल करके इस स्नेक के स्पेसिस की खोज की गई है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 27 है, ठीक है। तो एक और हो गया है यहाँ पर, कितने हो गए होंगे? 28 हो गए होंगे। ओके चलो अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर देखो वो क्या है। किस राज्य में शोधकर्ताओं ने जंगली बालसम की 3 नई प्रजातियों की पहचान की गई है? अब ये जंगली बालसम क्या है? ये एक फ्लावर की प्रजाति है, ये एक स्पेसिफिक गाइस फ्लावर की, और यहाँ पर 3 प्रजातियां खोजी गई हैं, एक नहीं कितनी है? यहाँ पर 3 प्रजातियां खोजी गई है जंगली बालसम। ये आप देख सकते हो, ये वाला फ्लावर है गाइस, ये वाला फ्लावर है, एक बहुत ही प्यारा सा फूल है, इसके 3 प्रजातियां। और जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि इन तीनों प्रजातियों के अंदर जो एक प्रजाति है उसका नाम के शैलेजा के नाम पे रखा गया है। ये कौन है के शैलेजा? केरला की जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, केरला की क्या है ये? फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, और इन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया है। जो बाकी 2 प्रजातियां बच जाती हैं वो यहाँ के एक फॉर्मर सीएम थे, 2 प्रजातियां फॉर्मर सीएम थे जिनका नाम था अच्युतम करके, इनका नाम था, इनके नाम पे रखी गई है बाकी 2 प्रजातियों के नाम। अच्छा तो ये जो प्रजातियां हैं वो कहाँ पर पाई गई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर केरला है उनका बिल्कुल सही है, केरला के अंदर ये स्पीशीज पाई गई है। किसके स्पीशीज है? फ्लावर की स्पीशीज है, फूल की स्पीशीज है, जिनकी 3 प्रजातियां देखने को मिली है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये केरला के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, ये केरला के फॉर्मर सीएम है, इन दोनों के नाम पर इसकी प्रजाति का नाम रखा गया है। कहाँ पर ये प्रजाति मिली है? केरला के अंदर मिली है। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, लोकेशन देख लो कहाँ है, वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है इडुकी। कौन सा? इडुकी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर खोजी गई है ये स्पीशीज आपकी, ठीक है। अच्छा इसका एक और भी नाम रखा गया, 2 तो नाम ये हो गए, लेकिन मलयालम भाषा में भी इसका नाम रखा गया है जो कि क्या है? काशीथुम्बा। काशीथुम्बा ये नाम मलयालम भाषा में इस स्पीशीज का रखा गया है। आजकल स्पेसिस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा की जा रही है, और तीसरी जो न्यूज सबसे ज्यादा रहती है वो कहां से? अफगानिस्तान से रहती है। ऐसा लग रहा है ये 3 चीजें सबसे ज्यादा आज के टाइम पर चल रही हैं, तो भाई संभाल के। हाँ चलो भाई, मैम आप कहां से हो भाई? हम हरियाणा और राजस्थान से हैं, ठीक है, थोड़े से दिल्ली से भी हैं, बाकी पूरे इंडिया से हैं। अब समझ में आया? अब प्लीज दोबारा से ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और जरा जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिएगा फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर। ड्रोन फोरेंसिक लैब ये कहाँ पर ओपन की गई थी गाइस?
ड्रोन फॉरेंसिक लैब की बात करते हैं तो देखो ये एक ऐसी फॉरेंसिक लैब है जिसको केरला के अंदर एस्टेब्लिश किया था, केरला के जो कैपिटल है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो उसके ऊपर ये निगरानी रखेगा, अगर उस ड्रोन ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो क्या किया जाएगा, उसको नस्ते नाबूद, मतलब उसको हमेशा के लिए मार गिराया जा सकता है। तो ये है ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो केरला के अंदर ओपन की तिरुवनंतपुरम में। यहीं पर आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी देखने को मिलता है जो फादर ऑफ इसरो कहे जाते हैं। नॉलेज मिशन इकोनॉमी प्रोग्राम ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, नॉलेज मिशन इकोनॉमी प्रोग्राम की बात करते हैं, किसने स्टार्ट किया था। एंड गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करते चले, 500 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, बस थोड़ी सी दूरी पर है, तो जल्दी से करके सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलो। हाँ जी चलिए, अच्छा देखो नॉलेज मिशन इकोनॉमिक प्रोग्राम केरल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो ये जो है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, केरल गवर्नमेंट के द्वारा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट लेक इन केरला कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, वेम्बनाड लेक है गाइस, जो कि सबसे बड़ी लेक के रूप में जाना जाता है, और यहीं पर जो है नेहरू बोट रेस होती है, यहीं पर क्या होती है, नेहरू बोट रेस होती है, और इसी के अंदर इसी बोट रेस में जो जीतता है उसको क्या दिया जाता है, उसको नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। सबसे बड़ी लेक है तो बोटिंग वगैरह आपका यहीं पर करवाई जाती है। फर्स्ट जेंडर पार्क ये केरला के अंदर ओपन किया गया, देश का ये पहला जेंडर पार्क था। मिनिमम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है, ये कहां पर मिलता है, तो केरला के अंदर मिलता है, लेकिन अगर यहीं पर मैक्सिमम पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा बात केरला की है तो कुछ और चीजें भी देखो, कल भी मैंने बताया था एक फेस्टिवल है मकर विलक्को फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है मकर विलक्को फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जो यहाँ पर एक टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल, यहीं पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल ये भी केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं मेरे सपने में तालिबान लोग आते हैं, मनीष गुप्ता बापरे तुम कुछ ज्यादा ही तालिबान के बारे में पढ़ रही हो लगता है भाई। आज ना अभी 9:30 बजे की बनी हुई है, मतलब इवेंट लगा हुआ है यूट्यूब पर 9:30 बजे, अफगानिस्तान के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान को कोई भी देश साथ क्यों नहीं दे रहा है, या कौन कौन से देश जो साथ दे रहे, OIC क्या कर रहा है ना, जो इस्लामिक कंट्रीज का संगठन है OIC, वो शांति बनाए रखने का काम वही तो करता है, जैसे हमारे देश में पूरी दुनिया में शांति बनाने का काम कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है, तो वैसे इस्लामिक कंट्रीज के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी OIC, वो क्या कर रही है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड कि कौन बचाएगा अब अफगानिस्तान को, वो पूरी तरह से घिर चुका है, वहां के लोगों की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी प्लेन वहां पर जाता है, चाहे वो इंडिया का है या फिर वो USA का, तो बेचारे टायरों पर लटक जाते हैं और फिर गिर के बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, इतनी बुरी कंडीशन अफगानिस्तान की लग रही है, यहाँ पर कोई कंट्री सामने नहीं आ रही बचाने के लिए, ऐसे में इंडिया भी चुप्पी साधे हुए है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वो भी चुप्पी साधे हुए, तो भाई क्या होगा आखिर अफगानिस्तान का, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। 9:30 बजे आप लोगों को आना है लाइव, प्लीज सब लोगों को आना है 9:30 बजे अभी, यानी कि आधे घंटे बाद ही इवेंट लग चुका है, तो सब लोगों को आना है, उसमें डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ठीक है चलो, अच्छा आगे बढ़ते केरला के बारे में जानेंगे भाई, तो देखो केरला जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है, तिरुवनंतपुरम ये बता चुकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहीं पर है, पिनरे विजन इसके CM है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, चीफ जस्टिस कौन है, एस मनी कुमार है, और जो आपके एस मुरलीधरन है ये उड़ीसा के चीफ जस्टिस है। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की यहाँ से 20 सीटें हो जाएंगी। इसका जो कोस्ट है उसको क्या कहा जाता है, मालाबार कोस्ट कहा जाता है, ये कर्नाटका से ही बाउंड्री शेयर करता है, जो इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट था, प्लस पहला ऐसा राज्य बना था एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला। यहाँ पर तमिलनाडु मिलता है आपको, और तमिलनाडु जो है वो फिश प्रोडक्शन के मामले में 1 पे रहा था। इतनी चीजें क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते। केरला में आपको यार साइलेंट वैली मिलेगी, वेम्बनाड लेक हम डिस्कस कर चुके, पेरियार लेक हम डिस्कस कर चुके, और केरला के अंदर कौन कौन सी चीजें, जो लिटरेसी रेट वो सबसे ज्यादा केरला में मिलता है, 96.2% मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं आप।
देखो और कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं हम आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मैम ब्रेक दे देना, चाय नहीं पिए है। अच्छा, अरे चाय पीने के लिए ब्रेक किसको चाहिए? सच बताओ, पीने जा रहे हो कि बनाने जा रहे हो? हाँ देखो, अभी रुक जाओ, बस थोड़े से दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद में जस्ट दो क्वेश्चन और है, उसके बाद चले जाना। सिल्वर प्रोजेक्ट बिल्कुल केरला में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी एवं स्वास्थ्य सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है? जो सोन चिरैया एक ब्रांड है, ये अभी एक मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। इसी चैनल पर आना है और किसी भी नहीं, महेश यादव जी इसी चैनल पर 9:30 बजे अफगानिस्तान को लेकर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आपको 9:30 बजे आना है भाई, ठीक है ना? चलो अच्छा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो पहले तो फटाफट से मुझे लिखकर बताओ कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो कौन हो जाएंगे, तब तक हम इस पूरी न्यूज को समझते हैं कि क्या है। देखो, जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, महिलाएं होती, जो वो महिलाएं जो किसमें काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रही हैं, यानी कि ये महिलाएं यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर काम करती हैं। और जैसे कि आपका हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें बनानी है, कपड़े बुनने हैं, या फिर खाने से रिलेटेड चीजें बनानी है, कोई भी प्रोडक्ट ये बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो जब उनके प्रोडक्ट कोई पहचान ही नहीं मिल पा रही, तो उनको उस प्रोडक्ट का सही प्राइस भी नहीं मिल पा रहा। मान लो जैसे कि वो जीवन शक्ति योजना के तहत मास्क बनाए जा रहे थे ना, तो वैसे ही वो तो खैर सरकारी काम हो गया, लेकिन अगर कोई भी महिला कोई भी चीज का प्रोडक्शन करती है सॉरी, तो उस प्रोडक्ट को एक पहचान दिलाए जाने के लिए, ताकि उनको क्या दिया जा सके, उसका सही मूल्य दिया जा सके, और वो भी क्या हो सके, उनकी भी जो अर्निंग है वो बढ़ सके। बिल्कुल सही, हरदीप सिंह पुरी हो जाएगी, बहुत अच्छी, ठीक है, क्या हो सके, ताकि उनकी भी अर्निंग बढ़ सके। एक ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और उस ब्रांड का नाम क्या दिया गया है, सोन चिरैया ब्रांड उसका नाम दिया गया। तो अब ये जो भी प्रोडक्शन करेंगी महिलाएं, जो भी काम करेंगी, इनको क्या होगा, इनके प्रोडक्ट को एक नाम दिया जाएगा, सोन चिरैया, और उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जाएगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो यहाँ पर भी इन प्रोडक्ट्स को फिर बाद में क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है ना इतनी चीजें? यार यहाँ पर इमेज लगाई थी, वो कहाँ पर गायब हो गई? तो कमाल ही हो जाता है यार, ये हमारे कंटेंट मैनेजर ना कमाल ही कर देते हैं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। चलो अच्छा, कस्तूरी ब्रांड किसने लॉन्च किया था, और कस्तूरी ब्रांड जो नाम दिया गया था वो किसका नाम दिया गया था? तो याद रखना, 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है कपास दिवस के रूप में, और 2020 में जब ये सेलिब्रेट किया था, तो इसी पर जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, इनफैक्ट एक ब्रांड लॉन्च किया था, कस्तूरी ब्रांड, और ये कहा था कॉटन का जो ये ब्रांड का नाम रखा जा रहा है, इसके ऊपर एक अच्छा इंटरनेशनल व्यापार किया जा सकता है। कारीगरों को एम्पावर करने के लिए, कारीगरों को एम्पावर यानी कि सशक्त करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया, माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया है, तो बताओ फटाफट से किसने लॉन्च किया है, और इसके अंदर क्या होगा। जो कारीगर होते हैं, सेम चीज वही है, कारीगरों को यहाँ पर एक अच्छी पहचान देने के लिए क्या किया गया है, माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया, ऑनलाइन इनके प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा। तो ये लॉन्च किया था भाई किसने, HCL के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसके द्वारा, HCL के द्वारा लॉन्च किया जाता है माई ई हार्ट पोर्टल, और इस पोर्टल, हाँ HCL की बात करें, 1976 के अंदर इसकी स्थापना होती है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, और सी विजय कुमार यहाँ पर आपके चेयरमैन है। नेक्स्ट पॉइंट, EFIR पहल ये किस राज्य ने शुरू की थी? देखो FIR पहल जो है, इसके बारे में आप सबने पढ़ा है, FIR आपके द्वार, ये मध्य प्रदेश की योजना है भाई, किसकी है, मध्य प्रदेश की योजना है। तो जो EFIR है ना, वो यही है कि जो ये वाली योजना थी पुरानी वाली, इसको अब क्या कर दिया गया, उसको अब डिजिटल कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से डिजिटल, यानी कि ऑनलाइन कर दिया। आपको कोई भी कंप्लेन लिखवानी, कोई भी प्रॉब्लम, तो सीधा ऑनलाइन जाकर के आप कर सकते, ऑनलाइन कर सकते। तो EFIR पहल किसने लॉन्च किया, इसको मध्य प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश, सी विजय कुमार इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है भाई। नोट्स जरूर बनाते हो चल्ला, मेरी इतनी मेहनत जो तुम करवाते हो, जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते कसम से यार दिल से बुरा लगता है।
है ना, दिल से बुरा लगता है, तो ऐसे मत किया करो यार, नोट्स बनाते चलो प्रॉपर से। मैं नहीं चाहती आगे चल कर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है नोट्स बना के चला करो, ताकि यार रिविजन के टाइम पर एक बढ़िया सा रिविजन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, एंड जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इस वर्ष कितने पुलिस कर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। हाउ मेनी पुलिस पर्सोनल विल बी अवॉर्डेड दिस ईयर यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। यानी कि कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही अच्छा अपना पार्टिसिपेशन दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, और उनके इस काम की तारीफ की जा रही है, मतलब उनको सराहने के लिए कुछ मेडल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो कितने पुलिस कर्मियों को ये मेडल दिए जाएंगे गाइस, ये आपको बताना है यहाँ पर। 142 कुछ बोल रहे, 142 कुछ बोल रहे, 144 और कोई, और भी कोई है तो बता दो। चलो अच्छा किसी भी बच्चे का आंसर सही है, सिर्फ एक बच्चे का, जे एस रावत, बहुत अच्छा। 152 जो यहाँ पर पर्सोनल्स हैं, पुलिस पर्सोनल्स हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से महिला कितनी होंगी, 28 यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वुमेन, ठीक है, 28 यहाँ पर वुमेन होंगी जिनको यहाँ पर इस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो भाई इन्होंने क्या किया है, एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा ना, तो इट मींस ये कि इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बहुत अच्छा अपना पार्टिसिपेशन दिया है, जिसके चलते ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, जिसके चलते इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको इतना सा है जो बस याद रखना, इसकी ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर। हाँ एक जरूर पूछा जाएगा कि कौन कौन से अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो ये एक बार से जान लेते हैं कि कौन कौन से अवार्ड यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिए जा रहे हैं 144 तो वीरता पुरस्कार हो जाएंगे यहाँ पर। यार एक सेकंड रुको यार, सच में 144 इसका आंसर है क्या, हम कुछ गलत कर दिए हैं। ओके सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, 152 बिल्कुल सही है, 152 पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा, ठीक है, किसको दिया जाएगा, 152 पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा, 144 तो वीरता पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। ये देखते हैं जरा वीरता पुरस्कार कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान से सुनो कौन कौन से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। सशस्त्र बल, पुलिस और अर्धसैनिक बल, इनको तो यहाँ पर 144 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से एक वीरता चक्र होगा, एक तो होगा वीरता चक्र, एक होगा कीर्ति चक्र, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अशोक चक्र भी दिए जा रहे हैं, और जो अशोक चक्र की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है दैट इज 15 अशोक चक्र दिए जाएंगे, ठीक है भाई। 116 जो है यहाँ पर सेना पदक दिए जाएंगे, ओके, और 5 जो है वो नौ सेना पदक दिए जाएंगे, 5 जो है वो नौ सेना पदक दिए जाएंगे, और जो 2 दिए जाएंगे वो वायु सेना पदक दिए जाएंगे, ठीक है, 2 जो है वो वायु सेना पदक दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको याद क्या क्या रखना है ये सुनो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे वो दो नाम पूछे जाएंगे, वो दो नाम कौन कौन से याद रखने, पहली चीज तो ये याद रखना है कि यहाँ पर एक अशोक चक्र जो दिया गया है, एक अशोक चक्र दिया है, मरणोपरांत दिया है, ठीक है, एक तो अशोक चक्र पूछा जाएगा, प्लस एक आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कीर्ति चक्र के बारे में। तो ये दो नाम जो है वो आपको याद रखने हैं, और ये जो दो नाम हो जाएंगे दैट इज, एक तो है आपका बाबू राम और एक हो जाएगा अल्ताफ हसन भट्ट। अच्छा जो अल्ताफ हसन भट्ट है गाइस, ये पुलिस कांस्टेबल थे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये पुलिस कांस्टेबल थे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और इनको मरणोपरांत दिया जाएगा ये अवार्ड, मरणोपरांत। बाबू राम की बात करते हैं तो ये जो है ASI थे, जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, और इनको भी ये अवार्ड मरणोपरांत दिया जा रहा है। बस ये दो नाम यहाँ से याद रखेगा, इसके अलावा सिर्फ कैटेगरीज याद रख लेना कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स याद करना पॉसिबल नहीं है, है कि नहीं, इतने सारे अवार्ड्स याद करना पॉसिबल नहीं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही नाम आपको याद रखने, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, और किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो दो नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अब हम नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है,
हाल ही में किस बैंक ने एथलीट का समर्थन करने के लिए पैरालंपिक समिति के साथ में समझौता किया है? पैरालंपिक समिति के साथ में समझौता किया है, किसने किया है भाई, यहाँ पर किस बैंक ने किया है? अब देखो यहाँ पर जो समझौता हुआ है उसका पर्पज क्या होगा, मैंने सुबह 144 पढ़ा था, मैंने बताया 144 वीरता पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है, हाँ वीरता पुरस्कार है, तो कुछ और भी होंगे जो दिए जा रहे, तो 152 डाटा आप देखोगे, देखो ये जो डाटा है वो विकिपीडिया का डाटा है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, तो 122 पुलिस पर्सोनल को दिया जा रहा है, जिसमें से 144 वीरता पुरस्कार है, जिसमें से 144 वीरता पुरस्कार है, और यही एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, बाकी जो 152 जो बाकी पुलिस पर्सोनल को मिले हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इसलिए उनके बारे में कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है, मैंने काफी सर्च करने के बाद ये डाटा दिया है, तो गलत नहीं है, आप भी जे किसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके चलो। अच्छा कुछ आईडीएफसी आंसर कर रहे हैं, कुछ बंधन बैंक आंसर कर रहे हैं, तुक्का लगाते हुए सारे बच्चे यहाँ पर, सुनो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, देखो इंडियन बैंक इज योर करेक्ट आंसर, तो इंडियन बैंक ने क्या किया है यहाँ पर, एक समझौता किया है पैरालंपिक समिति के साथ में, कि अभी देखो जो आपके पैरालंपिक स्टार्ट होने वाले कब से, 24 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगी और कब तक चलने वाले हैं, 5 ऑफ सितंबर तक, यानी कि टीचर्स डे मनाकर ही आएंगे ये लोग, लौटेंगे टीचर्स डे मनाकर, ठीक है, 5 सितंबर तक चलने वाला है, और यहाँ पर बताओ मुझे फटाफट से ध्वजारोहण कौन करने वाले हैं, ये आंसर आप लोग करो, तो भाई इंडियन बैंक यहाँ पर क्या काम करेगा कि जो पैरालंपिक्स हैं, जो पैरा एथलीट हैं, यहाँ पर जो जितने भी खिलाड़ी हैं पैरा के, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा यहाँ पर, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प इनको दी जाएगी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इंडियन बैंक उनको मदद करेगा, ये यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा, इस चीज के लिए समझौता हुआ है, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जो ध्वजारोहण करने वाले हैं जिसका नाम अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो नलायको नोट करो, मरियप्पन थंगावेलु हैं, कौन है, मरियप्पन थंगावेलु हैं, और ये जो है आपके क्या है, हाई जंपर है, ये क्या है, हाई जंपर है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें, बिल्कुल सही है, मरियप्पन थंगावेलु, और पैरालंपिक्स आपके 24 अगस्त से स्टार्ट होकर के 5 सितंबर तक चलने वाले हैं, ये चीजें भी आपको याद रखनी है, तो पैरा एथलीट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इंडियन बैंक के द्वारा। अब जरा जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जरा एक बार से नजर मार लेते हैं, सुनो देखो, घर घर राशन योजना किस बैंक के द्वारा स्टार्ट की जाती है, तो ये जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टार्ट, किसने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया था। नेक्स्ट, इलाहाबाद बैंक में किस बैंक का विलय किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद बैंक में किस बैंक का मर्ज किया गया था तो आंसर क्या होगा, फटाफट से तुम लोग बताओगे मुझे, ये मैं बता चुकी आपको, मरियप्पन थंगावेलु है भाई, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है कहां पर हो जाएगा भाई आपका, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर 1907 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1907 में होता है, ठीक है चलो। अच्छा एमडी सीईओ ऑफ इंडियन बैंक कौन हो जाएंगे, पद्माजा चुंदुरू है यहां पर, पद्माजा चुंदुरू, राइट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से इंडियन बैंक में कौन से वाले बैंक का मर्जर हुआ था, सॉरी इलाहाबाद बैंक में, ठीक है इलाहाबाद बैंक में किस बैंक का हुआ था, तो इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का ही हुआ था नलायको, इलाहाबाद बैंक में कौन से बैंक का मर्जर हुआ था, इंडियन बैंक का हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से बैंक का मर्जर हुआ था, याद है कि नहीं तुम लोगों को, याद है कि भूल गए सारी चीजें, पंजाब नेशनल बैंक में इंडियन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कैनरा बैंक किसके साथ में मर्ज हुआ था, आपका सिंडिकेट बैंक के साथ में मर्ज हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो अच्छा देखते हैं इसमें क्या है। कौन सा राज्य पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, मतलब कि कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा, और इससे पहले दो स्टेट ऐसा कर चुके हैं, तो आपको ये बताना है कि ये तीसरा वाला जो स्टेट बना है ये कौन सा बना है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गुजरात बना है तीसरा स्टेट।
एंड गाइज प्लीज यार सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चलो, मतलब 500 का टारगेट दिया था जो कि ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, बस 25-30 लाइक्स बचे हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, एक बार जल्दी से दबा के सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो ताकि ये 500 का टारगेट हमारा अभी अचीव हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से करके सेशन को एक बार से लाइक कर दो। ओके तो गुजरात यहाँ पर मोस्टली बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो देखो भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु यहाँ पर आपका सही आंसर है। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। देखो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 2021-22 के लिए जितनी भी योजनाएं यहाँ पर लाई जा रही है, कृषि से रिलेटेड जो योजनाएं लाई जाएंगी, उसमें जो बजट यहाँ पर रखा गया है वो 34,220.65 करोड़ रुपए दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा ये पैसा? उन सभी डिपार्टमेंट्स को दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी को, ताकि वो एग्रीकल्चर के फील्ड में और भी अच्छा काम कर सके। तो उसके लिए ये पैसा दिया जा रहा है तमिलनाडु, और ये तीसरा स्टेट बन गया अलग से बजट पेश करने वाला, ठीक है। तो अब जरा जान लेते हैं इसी से रिलेटेड और भी क्या क्या पॉइंट्स आपके यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। देखो सुनो, अच्छा और कौन कौन से स्टेट थे इससे पहले? दो स्टेट ऐसे थे, पहला था कर्नाटका और दूसरा था आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु तीसरा स्टेट बना है अलग से कृषि कानून लाने वाला अपने देश में, सॉरी अपने राज्य के अंदर अलग से कृषि कानून लाने वाला। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बाद में ये तीसरा राज्य बन गया है। तमिलनाडु से कौन कौन से स्टैटिक पॉइंट्स आपके बन सकते हैं ये देख लेते हैं जरा। देखो फर्स्ट पॉइंट, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर रशिया के सहयोग से बनाया था, और ये कहाँ पर बनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। आयुष्मान भारत योजना, इसमें जो है लाभार्थियों की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो किसकी है? तमिलनाडु, इसमें टॉप पे रहा है लाभार्थियों में, सबसे ज्यादा जो लोग हैं आयुष्मान भारत में, जो सबसे ज्यादा नाम दर्ज हुए हैं लिस्ट में, वो तमिलनाडु के अंदर। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया था मोदी जी के द्वारा। कहां से लॉन्च किया जाता है? झारखंड रांची से लॉन्च किया था। इसमें था 5 करोड़ गरीब परिवारों को क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाना 5 लाख रुपए का, ये था इस योजना के अंदर, जो कि कई बार हम डिस्कस कर चुके। चींटी की नई प्रजाति तमिलनाडु के किस शहर में पाई गई थी? तो भाई उसी शहर में पाई गई थी जहां पर आपका मीनाक्षी टेम्पल है, यानी कि मदुरई में पाई गई थी। और उस प्रजाति का नाम क्या है? बेकेमार, ठीक है। एक उकेरिया जोशी के नाम से भी तो प्रजाति पाई गई थी, उकेरिया जोशी, ये केरला के पेरियार के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो चींटी की दो प्रजातियां याद रखिएगा। मछली उत्पादन में टॉप पे रहा था कौन सा? तमिलनाडु। 2020 में जो इंडेक्स रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु नंबर 1 पे था। भारत का सबसे पुराना बांध ओल्डेस्ट डैम जो है वो तमिलनाडु में किस नदी के ऊपर बना हुआ है? चलो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन और आखिरी पॉइंट है, तो ये तुम्हारे लिए छोड़ दे रही हूँ मैं। फटाफट से बताओ, सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर करता है इस क्वेश्चन का। ओल्डेस्ट डैम जो कि चोल राजाओं के शासन काल के टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर? कौन से नदी पे बना हुआ है? तमिलनाडु के अंदर। क्या बात है, क्या बात है, राजेंद्र सिंह सबसे पहले आंसर करते हुए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। Yes, कल्लई डैम है गाइस जो कि कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कौन सा डैम हो जाएगा? कल्लई डैम है, और ये कहाँ पर बना हुआ है? कावेरी नदी पे बना है। कावेरी नदी की बात करेंगे, इसी के ऊपर एक और डैम भी बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर ही, मैटूर डैम, ये भी पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखना, मैटूर डैम। एक कर्नाटका के अंदर राजा राज कृष्ण डैम बना हुआ है, राजा राज कृष्ण डैम बना हुआ है कावेरी नदी पे कर्नाटका के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है सबको? हाँ भाई, हाँ। अच्छा एक देखो, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तो हो गया, एक कल्पक्कम परमाणु संयंत्र है, इसकी भी लोकेशन आपको तमिलनाडु में मिलती है। जो कल्पक्कम परमाणु संयंत्र है ये भी कहाँ पर बनाया गया था? तमिलनाडु के अंदर ही बनाया गया था, ठीक है, समझ में आया सबको? चलो भाई, सो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस। अभी कहाँ जा रहे हो? तमिलनाडु के बारे में तो देख लेते हैं जरा पॉइंट्स। देखो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, चेन्नई इसकी कैपिटल है, और यहीं पर आपको मिलता है लेदर रिसर्च सेंटर, और तमिलनाडु के अंदर ही आपको मिलता है टर्मरिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। अच्छा ड्रग रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर मिलता है? लखनऊ के अंदर मिलता है। राइस रिसर्च सेंटर मिलता है ये कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर मिलता है। तो ये कुछ
पॉइंट्स बहुत बार मैं डिस्कस करा चुके हो। ओके, गवर्नर हो जाएगी बनवारी लाल पुरोहित और आपके जो यहाँ पर नए सीएम बने थे दैट इज एमके स्टालिन। अच्छा, चीफ जस्टिस कौन है? संजीव बनर्जी है। राज्यसभा की 18 सीटें और लोकसभा की यहाँ से 39 सीटें हो जाएंगे तमिलनाडु के अंदर। क्लियर है सबको? और मलाई वाले जितने भी चीजें हैं, चाहे वो अन्ना मलाई है, चाहे वो नेशनल पार्क है, फोक डांस है, इसकी पर्वत चोटी, कुछ भी है, मलाई कहीं दिखाई दे जाए तो आंख बंद करके तमिलनाडु आंसर कर देना। तमिलनाडु के अंदर ही होती है सब, ठीक है। ओके, कितने राज्यों से यह बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पर कर्नाटका मिलेगा जो इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे रहा था, प्लस कृषि कानून लागू करने वाला, मतलब अपने राज्य में अलग से कृषि कानून लागू करने वाला ये पहला राज्य रहा था, और जो है आपकी एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भी ये पहला राज्य रहा था कर्नाटका। केरला नीचे, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा आपको केरला के अंदर मिलेगा 96.2%, और देश का पहला जेंडर पार्क और देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यहीं पर ओपन किया गया था, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, तीन कैपिटल वाला ये पहला स्टेट बना था आपका आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ पर सीएम है और इन्हीं के नाम पर सारी योजनाएं मोस्टली यहाँ पर लाई जाती है। चार क्वेश्चन गलत हो गई मैम, भावनाओं में बहते हुए काहे इतनी भावनाएं रखते हो तुम? इसीलिए कहते हैं ज्यादा भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। हाँ, तो ये हानिकारक हो गई तुम्हारे लिए। अच्छा, और बाकी बच्चे बताओ क्या क्या स्कोर रहा तुम्हारा? बाकी देखो भाई, आज के सेशन का टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पिंकी सरोहा के नाम से टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर डेली की क्लास का पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी साइंस विद काजल मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर टाइम्स कोचिंग के जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उन सभी का पीडीएफ और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो ये वाला तो आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि जो बैचेस आपके लिए लाए गए हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, उन बैचेस का आपको पता चलता रहे, ठीक है। एम्बुलेंस वेविंग आपने देखा नहीं, 20 बार भेज दिया, क्या भेज दिया 20 बार? हाँ, क्या भेज दिए हो तुम 20 बार? आई एम थोड़ा लेट हो गया, मम्मी की हेलीकॉप्टर, बेटा तुम्हारा हेलीकॉप्टर ना क्रैश करना पड़ेगा, तुम थोड़ा नहीं बहुत लेट होते, क्लास खत्म हो गई, अब तुम क्लास के अंदर आयो, तो एक बार स्टार्टिंग से सेशन देख लेना जो बच्चे लेट से जुड़े हैं, और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, प्लस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना है, और 500 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, बस 5-7 लाइक बचे हैं, तो वो 5-7 बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से करके बस सेशन को लाइक कर दो जल्दी से करके, ताकि 500 का टारगेट अचीव हो जाए भाई हमारा। मुर्गा बन जाओ, लेट होने वाले, हाँ ठीक है, ये सही है, डिजिटल पनिशमेंट होनी चाहिए वैसे कुछ तुम्हारे लिए जो बच्चे लेट से जुड़ते हैं। चलिए अच्छा गाइस, सेशन को ध्यान करते हैं और मिलते हैं कब, कल सुबह, सॉरी आज शाम को भी क्लास है 6 बजे, जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ मैं कुछ, जो सीजीएल वाले बच्चों के लिए रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी पैट वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। बाकी मैंने पेपर एनालिसिस करके क्वेश्चंस कुछ तैयार किए हैं यहाँ पर, इसलिए आप लोगों को सबको आना है अच्छे क्वेश्चन से। अच्छा साइन हटिए मैम, नोट करना, नोट कर लो भाई जल्दी से जो भी आपको नोट करना, फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह, सॉरी आज शाम को 6 बजे, ठीक है। और हाँ, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास गाइस वो डेली सुबह होती है 7:45 पर, तो रोज सुबह 7:45 पर आप लोगों को आ जाना है, और अभी 9:30 पर एक क्लास लगने वाली है, क्लास नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट का सेशन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लूंगी आपकी मैं, अफगानिस्तान पे चर्चा करेंगे, ये चर्चा होगी कि कितनी कंट्रीज हैं आसपास में और क्यों बाकी कंट्रीज उसका साथ नहीं दे, तो मैंने पूरी न्यूज एनालिसिस करी है बहुत बढ़िया तरीके से, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अफगानिस्तान से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें आपके, तो 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी, लाइव होने वाली है अभी 9:30 3 मिनट में, तो फटाफट से आइएगा, अभी मैं मिलती हूँ 3 मिनट बाद में, ठीक है, चलो अच्छा बाय गाइस।